अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। जबरदस्त, सबको सेशन में वेलकम। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 32, वीक नंबर 8। और आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ ये बताते जाए उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके, जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें, मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर देता हूँ। अटेंडेंस लगा लें प्लीज आप लोग जल्दी से। सारे जो लोग आ रहे हैं वो प्लीज जल्दी से अटेंडेंस लगा लें। सबने अटेंडेंस लगा ली? आज ऑडियंस बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 15 लोग हैं, तो इतने कम क्यों हैं आज? व्हाई इज इट? आई गेस सारी जगहों पे बारिशें हो रही हैं, मे बी दैट इज व्हाई इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। इंटरनेट का काफी ज्यादा इशू है कल से, बिकॉज इट्स बीन रेनिंग। यहाँ सियालकोट में तो काफी ज्यादा हो रही है। आई गेस बाकी शहरों में भी जो है ना, रेन के जो है वो एलिमेंट्स हैं, रेन हुई है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे इन्फोग्राफिक्स पे, ब्रोशर्स पे। अब हम जो है मैक्सिमम जो है अपनी स्किल्स को इलस्ट्रेटर से रिलेटेड कवर करेंगे। देन मैं इलस्ट्रेटर से रिलेटेड आपकी एक प्रॉपर में क्लास लूंगा, जिसमें मैं इलस्ट्रेटर के आपको जो है मजीद जो टूल्स रह गए हैं उसकी हम 2 दिन क्लास लेंगे, ताकि इलस्ट्रेटर हमारा पूरा कवर हो जाए। आज जो हम अभी ये देख रहे हैं इन्फोग्राफिक्स और ब्रोशर्स, इसके बाद इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हम लोग तकरीबन सारी सर्विसेज पढ़ चुके हैं। एक सर्विस रह जाएगी, उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं जरा थोड़ा सा उसको दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं। कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीजें हम लोग ने पढ़नी पढ़ने वाली रह गई हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बात की थी ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की, फ्यू गाइस रिमेम्बर। सबको याद है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन का लफ्ज, ये टर्म याद है? ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा।
ये आपको याद होगा मैंने स्किल्स में भी ऐड करवाया है, क्या कहते हैं, अपवर्क की, फ्रीलांसर की, फाइवर की, उसमें स्किल्स में भी ये ऐड करवाया था। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन के बारे में किसी को आइडिया है? मतलब वैसे ही लव्स का पता है कि दिस वन एग्जिस्ट? जी बिल्कुल, एक ब्रांड की कंप्लीट आइडेंटिटी। मैं जरा उसको जरा थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही आंसर बताया कि एक पूरे जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल करीम ब्रांड है, उसके जितने भी टोटल डिजाइन है उसको हम कहेंगे ब्रांड आइडेंटिटी, या उसको हम कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी कहेंगे। तो उस पर हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रांड आइडेंटिटी, अच्छा इसको बाय द वे ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं। कुछ ये लफ्ज़ है या आपको याद रहने चाहिए? ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इसके रिलेटेड लफ्ज़ यूज होते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें हम इसमें सीखते हैं, उसको जरा देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो सबसे पहले ब्रांड आइडेंटिटी का स्टेप होता है वो आपका लोगो डिजाइन होता है। ठीक है, यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका लोगो डिजाइन होता है, दैट इज द मेन बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी ब्रांडिंग का, किसी भी ब्रांड आइडेंटिटी का, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद जो है बेसिकली हम लोग डिजाइन करते हैं ब्रांड गाइडलाइंस। अब इसको बारे में हमने पढ़ना है अभी, या इसको हम कहते हैं ब्रांड गाइड बुक भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू इस तरह दूंगा, यानी इसके हम क्लास भी लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल ब्रांड गाइडलाइन होती क्या है। गाइडलाइंस का मतलब क्या है? किसी बंदे को या किसी चीज को गाइड करना। तो ब्रांड गाइडलाइन में बेसिकली क्या होता है, ब्रांड गाइडलाइन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल लोगो में हम लोगों ने फॉन्ट यूज किया है मॉन्टसेरात। ठीक है, ये एक फॉन्ट है, और लोगो में हम लोग ने कलर यूज किया है जिसका हेक्स कोड है जो रेड कलर का, और उसका हेक्स कोड ये है, और उसकी आर वैल्यू, जी वैल्यू, बी वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज हमें पता है। तो ब्रांड गाइडलाइन में बेसिकली हम लोग ना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं गाइडलाइंस का, जिसमें हम सारी डिटेल्स ये वाली बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लोगो जो है ये हमने किन चीजों से मिलाकर बनाया है, यानी इसमें कौन कौन से आइडिया मुश्तमिल थे, इसमें जो कलर्स हैं उसके हेक्स कोड्स, उसकी आरजीबी वैल्यूज, उसकी सीएमवाई के वैल्यूज क्या हैं, और जो फॉन्ट यूज किया है वो हमने कितने पॉइंट्स का यूज किया है, बोल्ड फॉन्ट यूज किया है, थिन फॉन्ट यूज किया है, तो सारी गाइडलाइन हम उसमें दे देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें इसमें जो है ये एक ब्रांड स्टाइल शीट भी आप इसको कह सकते हैं, ब्रांड गाइडलाइन भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है ना एक लोगो का गाइड किया हुआ है कि लोगो को आपने किस तरह यूज करना है, लोगो को कितने कलर्स में यूज करना है, लोगो लोगो की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस आइडिया से मिलकर बनी है, लोगो के अंदर कौन से कलर पैलेट्स का आप लोग ने इस्तेमाल करना है, और उसमें फॉर एग्जांपल उसकी क्या डिटेल्स हैं, यानी ये देखें उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं कि सी एम वाई के वैल्यू क्या है, कोड क्या है, आरजीबी क्या है। ठीक है, उसका फॉन्ट बताया गया है कि इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब क्लाइंट फॉर एग्जांपल
क्लाइंट कहता है, देखें ब्रांड आइडेंटिटी का मकसद ये होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी, जिस तरह करीम हो गई, कोको कोला हो गई, आप देखते हैं कि इनकी जो ब्रांडिंग होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। हम लोग ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कंसिस्टेंसी का, रेपिटिशन का, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम लोग ना इस ब्रांड गाइडलाइन से रेफर लेते हैं सारा, और इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि भाई इसमें जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है उसके हिसाब से ही हम सारे डिजाइन बनाए। ठीक है, जो इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है उनके हिसाब से ही हम सारे डिजाइन बनाए। ठीक है, तो ये ब्रांड गाइडलाइन होती है। खैर अभी इसके बारे में हम प्रॉपर एक क्लास लेंगे, लेकिन ये मैंने आप लोग को ओवरव्यू देना था, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रांड गाइडलाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है स्टेशनरी डिजाइन्स। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड, लेटर हेड वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं सोशल मीडिया किट एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में पोस्ट वगैरह आ जाती हैं, किट में बैनर वगैरह आ जाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके अलावा हम लोग टी शर्ट डिजाइन भी पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, ईमेल न्यूज़लेटर। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा हम फ्लायर्स एंड पोस्टर्स पढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा चीजें हम लोगों ने कवर किए हैं। और आज हम देख रहे थे इंफोग्राफिक्स एंड ब्रोशर्स। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें जो है एक किसी भी ब्रांड आइडेंटिटी में ये वाली चीजें यूज हो सकती हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैंडेटरी यूज होती हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल ब्रांड आइडेंटिटी में एक, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हो सकता है कोई ब्रांड ना यूज करे, और इसमें कुछ चीजें हैं जो कि ब्रांड को यूज करनी ही करनी होती है। अब इस पर डिपेंड भी करता है कि ब्रांड आइडेंटिटी आप कितने बड़े ब्रांड, आप फॉर एग्जांपल ब्रांड आइडेंटिटी ज्यादातर कंसिडर की जाती है एक बड़े ब्रांड की। ठीक है, एक जो छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है वो मे बी ये सारी चीजें आप लोगों से ना बनवाए, वो उसमें से बेसिकली एक दो चीजें बनवा ले, लेकिन एक जो ब्रांड है पूरा, वो तकरीबन उनकी कोशिश होती है कि वो सारी चीजें ही, यानी 10 में से तकरीबन 7 to 8 चीजें वो बनवाते हैं। यानी बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, अगर एक हाउसवाइफ है और उन्होंने होममेड फूड का कोई सिस्टम किया हुआ है तो उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, उनको ईमेल सिग्नेचर की, ईमेल न्यूज़लेटर की, मे भी शायद प्रमोशन के लिए जरूरत पड़े, प्रेजेंटेशन की, फ्लायर्स, और जरूरी नहीं है हर चीज की उन्हें जरूरत पड़े, इन्फोग्राफिक्स की, ब्रोशर्स की, उनको मे भी सिर्फ एक लोगो की जरूरत पड़े और एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग की जरूरत पड़े कि वो अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ब्रांडिंग कर ले, दैट इज इट। ठीक है, लेकिन अगर एक प्रॉपर बिजनेस है, करीम जैसा बिजनेस है, ब्रांड है, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं पूरी ब्रांडिंग। हाँ, उसमें एक चीज रह गई है, हम लोग आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ब्रांड आइडेंटिटी में जो चीज आ जाती है एग्जांपल मग्स वगैरह। ठीक है, बैजेस, एम्प्लॉय आईडी, ये वाली चीजें भी इसमें आ जाती हैं। एम्प्लॉय आईडी हो गए, मग्स हो गए, बैजेस हो गए, एम्प्लॉय आईडी। उसके अलावा ये कुछ चीजें हैं, ये भी आ जाती हैं जिस तरह प्रिंटेबल्स में। तो एक जो ब्रांड होता है एक, वो पूरी ये ब्रांड आइडेंटिटी बनवाता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हर, चाहे जो भी स्केल ऑफ बिजनेस हो, वो बनवाता ही बनवाता है, उसमें आ जाता है आपका लोगो डिजाइन। ठीक है, लोगो डिजाइन तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई ना बनवाए।
उसके बाद अगर मैं ब्रांड गाइडलाइन की बात करूं तो ब्रांड गाइडलाइन हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, जैसे मैंने हाउसवाइफ की एग्जांपल दी है, तो वो उसको मे बी जरूरत ना पड़े इस चीज की। लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल बिजनेस है, यानी एक ब्रांड है, वो उसको ये वाली चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो मीडियम टू लार्ज स्केल ब्रांड हो। बिकॉज ब्रांड, अभी आप कहेंगे सर हमने एंड पे क्यों पढ़ा, बिकॉज ये टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। ये जो हम सारी चीजें हमने बाद में सीखी हैं, ये बेसिकली अगर आप लोगों के पास ब्रांड गाइडलाइन बन के आ जाए ना, तो आप ये सारी चीजें आराम से बना सकते हैं। मतलब पहले तो मैंने आप लोगों को सिखाई है ना कि स्टेशनरी डिजाइन क्या होते हैं, सोशल मीडिया किट क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, टी शर्ट डिजाइन क्या होते हैं। लेकिन आप लोगों को जब मैं लास्ट क्लास में ब्रांड गाइडलाइन बुक बताऊंगा ना, तो आप लोगों ने ये नंबर टू स्टेप पे ही आ रही है। तो नंबर टू स्टेप के बाद जितनी भी आप लोगों ने चीजें बनानी है, वो इससे रेफर करके बनानी है, इससे गाइड लेकर बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेशनरी डिजाइन है, स्टेशनरी डिजाइन भी डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हर बिजनेस के पास बिजनेस कार्ड एटलीस्ट होता है। लेकिन आजकल क्योंकि इन दोनों पे मैं कहूंगा कि डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई बिजनेस पूरा बिल्कुल ऑनलाइन है, तो उसके लिए सोशल मीडिया किट की बहुत जरूरत होगी। अगर पूरा बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिक्स है, तो दोनों की जरूरत होगी। लेकिन अगर पूरा बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन है, तो उसको स्टेशनरी कार्ड की जरूरत होगी ही होगी। और अगर सिर्फ पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, तो मे बी उसको स्टेशनरी कार्ड की जरूरत ना हो, वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया किट और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कर रहा हो। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस टू बिजनेस पे कि इन दोनों चीजों में से आपको चाहिए कोई चीज कि नहीं। अगेन टी शर्ट डिजाइन में भी ऐसे ही है, टी शर्ट डिजाइन आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टी शर्ट का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इसे डिजाइन करना ही करना है। अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस, जिस तरह मैंने होममेड फूड का बताया है, तो उसमें टी शर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, मे बी तब जरूरत पड़े जब आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, तो आप एक दो प्रिंट करा लें। लेकिन जिस तरह करीम है या गौरमे है, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये इनकी टी शर्ट्स रेगुलरली प्रिंट होती हैं। ईमेल सिग्नेचर, ईमेल न्यूज़लेटर की जहाँ तक बात आगे हो सके, ये भी डिपेंड करता है। नीडिंग ईमेल सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ हर बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस है उसको बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। ईमेल सिग्नेचर आपका हर बिजनेस का होना चाहिए। लेकिन ईमेल न्यूज़लेटर डिजाइन है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोमोशंस। अगर आप लोग ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो ये आप इसको डिजाइन करेंगे। अगर ईमेल के थ्रू नहीं कर रहे, तो नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन डिजाइन, अब फॉर एग्जाम्पल एक होममेड फूड वाली है, वो क्या प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाएगी, ठीक है, या एक ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाली है, या तो उसको इन्वेस्टर को पिच इन करना है कुछ, तो फिर वो प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाएगी, वरना नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल करीम वगैरह, तो उनकी रेगुलर आपस में प्रेजेंटेशन होती हैं, तो उसका डिजाइन बना सकते हैं। फ्लायर्स और पोस्टर्स, अगेन ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कोई बनवाए, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। इन्फोग्राफिक्स भी जो आप जब पढ़ेंगे, ये भी डिपेंड करता है, सारे डिपेंड करते हैं। जो मेन चीजें हैं, वो ये आपका लोगो डिजाइन तो होना ही होना चाहिए, ये मैंने खुद से किया है, ये भी डिपेंड करता है अगर कोई बिजनेस करना चाहे कि नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो होनी चाहिए आप लोगों का लोगो डिजाइन। आप लोगों की लोगो डिजाइन जो है, बेसिकली वो हर बिजनेस में होता ही होता है। तो बाकी जो चीजें हैं, वो डिपेंड करती हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस स्केलिंग पे। तो अब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी, विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी, जिसमें से अब हम आज जो पढ़ने हैं, वो बेसिकली इन्फोग्राफिक्स पढ़ेंगे और ब्रोशर्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इन्फोग्राफिक्स से क्या होती हैं। बेसिकली इन्फोग्राफिक्स होती हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना ग्राफिकल फॉर्मेट में। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कोरोना इन्फो ग्राफिक डिजाइन। आप लोगों को काफी ज्यादा इस तरह की ना ये पोस्ट नजर आ रही होंगी कि स्टे होम और ये कोरोना के इफेक्ट्स, डूज एंड डोंट्स, इस तरह के, ये इसको हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। और इन्फोग्राफिक बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की या किसी भी इंफॉर्मेशन की। जिस तरह इसमें बताया गया है कि आप अपने हैंड्स को वॉश करें, अपनी हार्ट बीट चेक करें, ठीक है, वार्म फ्लूइड्स पिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, और ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है बाय द इन द फॉर्म ऑफ अ डिजाइन। अब इंफोग्राफिक की कोई ऐसा डिजाइन साइज नहीं होता, एक पोस्ट के डिजाइन जैसी होती है ये। और इसमें क्या कहते हैं, बस हम लोग ने ये चीज़ आइडिया लगानी होती है कि हम लोग ने इसमें इंफॉर्मेशन क्या शेयर करनी है,
और इसमें हम लोगों ने अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से देखने होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, ये एक हमने स्टाइल देख लिया कि हम इस तरह ना यानी सर्कल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, तो ये देखें बिल्कुल अलाइन सर्कल्स हैं यहाँ पर सेंट्रली। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर डिसाइड किया कि हम लोग इस तरह सर्कल लेफ्ट टू राइट जो है ना इसके इर्द-गिर्द करेंगे, तो ये बिल्कुल अलाइंड है एक दूसरे के साथ। तो ये बस इस पे होता है अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी आप लोगों को बेतहाशा एसेट्स मिल जाते हैं इसके इन्फोग्राफिक्स के फ्री पिक पर क्या कहते हैं, और दूसरी वेक्टर वेबसाइट्स पर इसकी इंस्पिरेशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो ये देखें जिस तरह कोरोना इन्फोग्राफिक डिजाइन मैंने बनाया सर्च किया है, तो आपको कोविड से रिलेटेड कितने ज्यादा इन्फोग्राफिक्स की पोस्ट वगैरह यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये हर जगह पड़ी हुई है आप लोग को आइडियाज देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही इन्फोग्राफिक अगर मैं डिजाइन लिखूं, तो बेसिकली ये होता है जिसमें जिसमें ग्राफ्स का भी इस्तेमाल हो सकता है जस्ट लाइक दिस, उसमें यानी डिजाइन की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, फॉर एग्जांपल अगर हमने डिजाइन करना है तो इसका फॉर एग्जांपल डिजाइन साइज जो इसका ज्यादा पॉपुलर है वो देख लेते हैं। ठीक है, हेयर आर सम ऑफ द कॉमन इन्फोग्राफिक साइजेस, तो हम देखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है विड्थ ऑफ एन आइडियल इन्फोग्राफिक मस्ट नॉट बी मोर देन 600, यानी 600 विड्थ होनी चाहिए एंड लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1800 पिक्सल। यानी वो कह रहा है कि विड्थ जो है इसकी तकरीबन 600 तक होनी चाहिए, और जो हाइट है वो कह रहा है कि आप 1800 पिक्सल से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी जो हाइट होती है। ऑलमोस्ट ऑल वर्टिकल इन्फोग्राफिक आर बिटवीन 600 टू 1100 वाइड, शॉर्टर इन्फोग्राफिक हाइट गोज अप टू 200 पिक्सल्स, 2000 पिक्सल लॉन्गर वंस कैन गो अप टू 5000 ओकेजनली। अच्छा, इसमें उन्होंने एक रेंज दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप लोग 600 तक, 600 पिक्सल्स तक जो है ना आप लोग उसकी विड्थ रखें, और हाइट जो है वो कह रहा है कि आप 1800 पिक्सल तक जो है ना उससे ज्यादा तक ना जाए। तो ये हम लोग एक साइज ले आते हैं 600 इंटू 1800 यानी मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक नया आर्टबोर्ड, उसका साइज रखता हूँ 600 विड्थ और 1800 हाइट। ये मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा थिन बना है। तो इन्होंने एक और रेंज दी हुई है कि ऑलमोस्ट ऑल वर्टिकल इन्फोग्राफिक्स आर बिटवीन 600 टू 1100 वाइड। ये वर्टिकल की बात कर रहा है कि ये वर्टिकल इन्फोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं ये, तो इस पे 600 टू 1100 इन्होंने कहा है, तो मैं 1100 तक जाके देखता हूँ। हाँ, दिस इज मच बेटर। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्फोग्राफिक्स के साइज आप लोगों को क्लाइंट भी बता सकते हैं कि उसका साइज क्या आप लोग ने रखना है। वैसे इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट एज वेल। सो अब मैं यहाँ पर फ्री पिक पर आता हूँ, और यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैं कोरोना से रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स का देखना चाह रहा हूँ, तो कोरोना इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो देखें आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर एसेट्स मिलने वाले हैं। ये है ठीक है, डिस्पोज टू हाउ टू वेयर अ मास्क, अब आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि एग्जैक्ट ये ही यूज कर लेना है, नॉट दैट। आप लोगों ने बेसिकली इसको थोड़ा चेंज करना है ना, लाइक ठीक है, वॉट यू गाइज कैन डू इज यू गाइज कैन चेंज दिस इमेज। आप इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल करेक्टर कोई दूसरी कर दो, इसके कलर्स वगैरह आप या तो चेंज कर लें, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक और थोड़े से एसेट्स आप ढूंढ लें।
यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर को चेंज कर लें आप, ठीक है, जिस तरह एक और ये पोस्ट है, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई कैन डू इज मैं इस फीमेल कैरेक्टर को उसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके कलर्स वगैरह मैं इसके हिसाब से कर देता हूँ। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि आई हैव जस्ट बेसिकली चेंज्ड द फीमेल कैरेक्टर, और इसका मास्क कलर में ये वाला कर देता हूँ, जस्ट टू गेट यू नो एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप इसका कलर बेशक कोई और रख लें, इसका कलर आप चेंज कर लें। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसका जो है कलर्स वगैरह चेंज कर लें। मतलब अब आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यू हैव, आप लोगों के पास एसेट्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक काफी ज्यादा डिजाइन बना हुआ है। ठीक इसी करेक्टर को हम यहां पर ले जाते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इस तरह आप लोग इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इसकी थोड़ी सी वैरायटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिर्फ डिजाइन स्टाइल, इसके एलिमेंट्स आप यहाँ पर ले आए। ठीक लाइक दैट। और वंस यू हैव मेड दिस, तो आप इसको जरा लेकर जाएं जो हम बनाने लगे थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोगों ने इस साइज में इसको एडजस्ट करना है। अब ये हाइट इसकी बेशक इसके साथ ये जो हाइट होती है ना, जिस तरह मैंने आपको लैंडिंग पेज का कहा है, इसी तरह इसकी हाइट, अब फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं कि आपकी 1800 तक ही हो, ये 1800 बहुत ज्यादा, लेकिन वो ये इससे ज्यादा नहीं तो जरूरी नहीं है हम मैक्सिमम यूज करें। हम 600x600 का साइज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक देखते हैं क्या बन रहा है। 600x700 हाइट बन रही है, 750 हाइट बन रही है, तो दैट वुड बी फाइन एज वेल। 1100x730 या 600, इस तरह भी आप कर सकते हैं। हाइट का जो है ना, वो कोई इस तरह का एलिमेंट इतना मैटर नहीं करता। तो ये आपका जो डिजाइन बना है, इसमें अब आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मजीद अगर आपको कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसमें चेंज ला सकते हैं। समथिंग लाइक दैट, आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, और आपका इस तरह इन्फोग्राफिक पोस्ट एक बन सकती है फॉर योर सैम्पलिंग। यहाँ पर आके आप और देखें, फॉर एग्जांपल ये तो कोरोना से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दिखाई है, वैसे इन्फोग्राफिक आप यहाँ पे लिखें। ठीक तो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर देखें एसेट्स मिलेंगे। ये फ्री में पड़े हैं आप लोगों के पास एसेट्स। बिजनेस इंफोग्राफिक्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आप यहाँ पे स्टेप्स के अंदर इंफॉर्मेशन को ही लिख लें और आपका ये इंफोग्राफिक डिजाइन बन जाएगा।
फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिज़ाइन है और इसको मैं सिर्फ ये करूँगा, मैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज कर दूँगा। सबसे पहला स्टेप है फॉर एग्जांपल टू गेट इन्वेस्टमेंट, यानी मैं एक बिजनेस उसका जो है ना प्रोसेस बता रहा हूँ स्टार्टअप का। कोई प्रोसेस आप इसमें बता सकते हैं, कुछ भी आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बाद में आकर। लेकिन आपको एक ही डिज़ाइन पूरा वेक्टर फॉर्मेट में मिल जाएगा, बताने का आप लोग के साथ मकसद ये है। ये सर आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये ब्लू कलर की जगह आप कोई और कलर सेलेक्ट कर लें, आप येलो पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास ये वेक्टर फॉर्मेट में काफी ज्यादा इसमें एसेट्स भरने पड़े हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग को तो किस तरह पता लगेगा भाई हम किस तरह की इन्फोग्राफिक्स बनाएं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है ना कि मैं उसके लिए बेस्ट वेबसाइट जो हमेशा बताता हूँ वो बताता हूँ 99designs। 99design को सर्च करने से पहले यहाँ से 99 आ रही है। नाइनटी नाइन डिजाइन आप यहाँ पे लिखे हैं, 99 इंफोग्राफिक डिजाइन, 99design कॉन्टेस्ट। किसी यार देखें, आप लोग को जो भी डिजाइन आइडियाज लेना ना उसको लिखें, यानी फॉर एग्जांपल टी शर्ट डिजाइन, आगे 99design लिखते हैं, उनके कॉन्टेस्ट को देखें, आप लोगों को सबसे ज्यादा आइडियाज वहां पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्फोग्राफिक डिजाइन, इन्फोग्राफिक कॉन्टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इन्फोग्राफिक के डिजाइन कॉन्टेस्ट देखें मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन देखता हूँ कि लोगों ने क्या प्रोवाइड किए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल स्केलिंग इन्फोग्राफिक, ठीक है, ये अब इसकी ब्रीफ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रीफ में इंडस्ट्रीज ने अपनी बताई है स्टोरी टू टेल इन द इन्फोग्राफिक। वी आर क्रिएटिंग एन इन्फोग्राफिक विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द 10 principles ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस। मतलब इसने बताया कि आपने 10 principles बताने हैं ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस। आई हैव इंक्लूड विद इन द ब्रीफ बिलो द करंट इन्फोग्राफिक। अच्छा, यहाँ पर इसने बताया है कि डेट टू इंक्लूड इन इन्फोग्राफिक, यानी आपने कौन सा डेटा इंक्लूड करना है इन्फोग्राफिक में। द करंट इन्फोग्राफिक विद डेटा इज इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट बिलो। उसने डॉक्यूमेंट एक शेयर किया, उसमें सारा उसने ये डेटा बताया कि आप लोगों ने क्या डेटा हर स्टेप में शेयर करना है। लेकिन उसने थीम अपनी बताई है कि आप लोगों ने 10 principles ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस। ठीक है, आप यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग गिग बनाते हैं इन्फोग्राफिक की, तो आप उसे पूछ सकते हैं भाई अपनी इंडस्ट्री बताओ, अपनी स्टोरी बताओ इन्फोग्राफिक की, क्या है स्टोरी तुम्हारी, क्या डेटा इंक्लूड करना है तुमने अपने इन्फोग्राफिक में, हमें वो सारा डिटेल में बताओ। उसके बाद एलिमेंट्स टू इंक्लूड इन द इन्फोग्राफिक, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आई नीड द इन्फोग्राफिक टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन द करंट इन्फोग्राफिक। अच्छा, एलिमेंट्स टू यूज इन द करंट इन्फोग्राफिक में वो ये बता सकता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टाइल क्या रखना है इन्फोग्राफिक का, कौन सी शेप्स का इस्तेमाल करना है, सर्कुलर स्टाइल में रखना है, किसमें करना है। ये क्वेश्चन आप उससे रिक्वायरमेंट्स के तौर पर पूछ सकते हैं इन्फोग्राफिक्स की। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में आपको बनाकर देता हूँ। एग्जाम्पल ये हमने डिजाइन बनाया है, तो इसको हम एज अ सैम्पल यूज कर सकते हैं, बट अभी काफी बुरा लग रहा है, बट वी कैन यू नो मेक इट लुक बेटर एज वेल। ओके, सो इसके डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी,
जो आप लोग ने बायर से पूछनी है। वो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो यहाँ पर 19 डिजाइन पर दिए हैं। इंडस्ट्री बताएं आप अपनी, व्हाट इज योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है आपकी, या बिजनेस क्या है आपका। स्टोरी टू टेल इन योर इंफोग्राफिक, ये क्वेश्चन हो सकता है। डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा टू इंक्लूड, इन्फोग्राफिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन स्टाइल दैट यू प्रेफर, कलर स्कीम्स एंड फॉन्ट्स प्रेफरेंस, ये आप उसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। डिजाइन स्टाइल उसको किस तरह का चाहिए, क्या डेटा उसने इंक्लूड करवाना है, क्या स्टोरी है उसकी इंफोग्राफी की, यानी थीम क्या है, स्टोरी या थीम, व्हाट इज इट, क्या थीम है, क्या स्टोरी है उसकी इंफोग्राफिक की। डिजाइन स्टाइल वो क्या प्रेफर कर रहा है, कौन से उसमें डिजाइन एलिमेंट्स प्रेफर कर रहा है, कलर स्कीम्स या फॉन्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है। तो ये क्वेश्चंस वो आप उससे जो है बेसिकली पूछ सकते हैं जब भी इंफोग्राफिक का कोई भी आपको ऑर्डर आता है। और इन्फोग्राफिक का आपको ऑर्डर इस तरह भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे लोगो बनवाया हो, कहेगा कि यार अच्छा मुझे इसी मेरा ब्रांड की ना मुझे इन्फोग्राफिक डिजाइन भी बनानी है। आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाए जी इन्फोग्राफिक डिजाइन क्या होती है, तो आप लोग को फिर ये लेक्चर याद आना चाहिए कि अच्छा हमने इन्फोग्राफिक डिजाइन की बेसिक एलिमेंट चीजें पढ़ी थी कि इन्फोग्राफिक डिजाइन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन इन्फॉर्मेशन। आप एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं इन ग्राफिकल फॉर्म, यानी यहाँ पे देखें टेक ऑफ योर मास्क, फोल्ड योर यूज मास्क इन टू हाफ, ये मास्क पहनने का तरीका बता रहे हैं, यानी मास्क यानी पहनने का डिस्पोज ऑफ करने का तरीका बता रहे हैं, किस तरह आप उसको डिस्पोज ऑफ करें और अपने हैंड वॉश को करें, हैंड को वॉश करें। तो उन्होंने सारे स्टेप्स बताए हैं। तो बेसिकली ये इंफोग्राफिक किसी भी स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए, यानी कोई डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंफोग्राफिक्स यूज होती है। तो आप लोग यहाँ से ना डिजाइन कॉन्टेस्ट देखें इंफोग्राफिक के, आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह के इंफोग्राफिक्स बनते हैं। इस तरह ये इसने स्केलिंग ऑफ बिजनेस के प्रिंसिपल्स का जो है ना बनाया है। अच्छा ये रोमा पूछ रहे हैं, इज देयर सम टाइप्स ऑफ इंफोग्राफिक्स। यार इंफोग्राफिक्स में आप लोगों को याद होगा मैंने टी शर्ट डिजाइनिंग की ना एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ टी शर्ट डिजाइनिंग ऐसी होती हैं जिसमें टेक्स्ट ज्यादा होते हैं, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लायर और इन्फोग्राफिक्स, इन इन्फोग्राफिक्स के डिजाइन के स्टाइल्स हो सकते हैं, जिस तरह कोई इन्फोग्राफिक्स का डिजाइन स्टाइल थोड़ा सा जिसमें ऐसा हो सकता है जिसमें ज्यादा ग्राफिक हो और टेक्स्ट कम हो, कोई ऐसे स्टाइल हो सकता है जिसमें टेक्स्ट ज्यादा हो ग्राफिक्स कम हो, कोई मिनिमलिस्ट स्टाइल का हो सकता है, कोई 3D स्टाइल का हो सकता है, कोई फॉर एग्जाम्पल फ्लैट स्टाइल का हो सकता है, यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो स्टाइल वगैरह है, और ये आप लोगों को जो हम लेकर आए हैं यहाँ पर ये मिनिमलिस्ट स्टाइल का यानी फ्लैट 2D स्टाइल का लग रहा है, यानी सिंपल इलिस्ट्रेशन स्टाइल का लग रहा है, तो इलिस्ट्रेटिव स्टाइल का भी हो सकता है, फ्लैट इलिस्ट्रेशन स्टाइल का भी हो सकता है, या फ्लैट वेक्टर्स एलिमेंट्स यानी शेप स्टाइल का भी हो सकता है। तो यही ज्यादातर इसमें स्टाइल्स यूज हो सकते हैं। या तो आपको कस्टमर कहेगा कि मुझे इलिस्ट्रेटिव इन्फोग्राफिक्स चाहिए जिसमें आपको इलिस्ट्रेशन यूज करें किसी ह्यूमन की,
जिस तरह यहाँ पर यूज हुई है, या वो आपको कहेगा कि मुझे इलस्ट्रेटिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्लैट शेप्स वगैरह आपका इस्तेमाल करो, टेक्स्ट का इस्तेमाल करो आप, तो इस तरह अपने डिजाइन स्टाइल को वो आपको डिफाइन करेगा। कोई और पूछ रहा है कि ये फेसबुक और सोशल मीडिया जो क्या कहते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं उसमें ही आती है? नहीं, उसमें नहीं आती है मारिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो ब्रांडिंग पोस्ट होती है उसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये पोस्ट कितने, फॉर एग्जांपल, यानी इस पोस्ट में हम क्या चीज बेच रहे हैं और उसकी प्राइस क्या है। लेकिन इन्फोग्राफिक में ना अक्सर उसका स्टेप्स दिखाए जाते हैं, स्टेप्स दिखाए जाते हैं, प्रोसेस दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोसेस दिखाना है कि भाई आप ई रोजगार में रजिस्टर किस तरह करना है, तो एक प्रोसेस बताया, पहले आइकन में बताया आप इस पोर्टल में जाएं, फिर यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करें, फिर अपनी डिग्रीज टेस्टिफाई कराएं, फिर डिग्रीज आप जाकर सबमिट कराएं, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपको एक ईमेल आएगी और दैट मीन्स कि आप ई रोजगार में रजिस्टर हो गए। तो एक पूरा प्रोसेस जो दिखाया हुआ ना वो हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं। हाउ डज सोशल मीडिया ब्रांड किट? देखें, ब्रांड किट की जहां तक बात आती है, ब्रांड किट में आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया किट, सोशल मीडिया पोस्ट और आपके स्टेशनरी डिजाइन, जितने भी आप ये फॉर एग्जांपल चीजें हैं, जो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल उस पे फिर ये ब्रांड किट पे ये तीनों चीजें जो है ना आ जाती हैं आपकी मिनिमम, ये वाली और ये वाली। क्या आप उसकी ब्रांड गाइडलाइंस यानी कलर पैलेट्स, फॉन्ट्स वगैरह बनाएंगे, स्टेशनरी डिजाइन, जो सोशल मीडिया किट, ये तीनों चीजें आप ब्रांड किट में ला सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ब्रांड किट एंड ऑल ऑफ दीज आर ब्रांड आइडेंटिटी। कुछ लोग जो है ना सिर्फ ब्रांड आइडेंटिटी, ये तो मैंने ज्यादा चीजें बताई हैं, कुछ लोग ब्रांड किट या ब्रांड आइडेंटिटी में सिर्फ ये तीनों चीजें ही बेचते हैं लोगों के साथ, मोस्ट पॉपुलर ये तीन, इसलिए मैंने ये पहले चीजें आपको लिखी हैं। इसको आप कलर थोड़ा डिफरेंट दे दें। ये तीनों चीजें ज्यादातर बेचते हैं लोगों के साथ, व्हेन सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, यही है इन्फोग्राफिक। इसमें और इतने ज्यादा डिटेल नहीं है, यानी इसमें यही कि हमने अंडरस्टैंड करना है इसमें स्टेप्स होते हैं, और इसमें जो है हम इलस्ट्रेट इंफोग्राफिक्स भी बना सकते हैं जिस तरह यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। हम लोग सिंपली शेप्स वाले यानी वेक्टर शेप्स के साथ और सिंपली टेक्स्ट के साथ भी बना। नहीं, इसके डिजाइन खुद नहीं प्रोवाइड करेगा, आप उससे रेफरेंस इमेजेस मांग सकते हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, आप उसमें उसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे रेफरेंस इमेजेस शेयर करो। यहाँ पर हम उसे डिमांड कर सकते हैं आप रेफरेंस इमेजेस शेयर करें जो जो इन्फोग्राफिक आपको पसंद, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी उसकी, और ये इस तरह का आपका डिजाइन हो जाएगा उसका। देखें, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों का अब या आपकी गलती, इसमें मैं अब आप बताएं ना, तो मैं आपका आके पीसी सही सही कर सकता हूँ या ना ही मैं आपका अकाउंट रिकवर करवा सकता हूँ जी। इसको अभी मैं देखता हूँ, इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी जो है क्या कहते हैं, कितनी ज्यादा जो है सर्विसेज किस किस किस्म की लोग दे रहे हैं। सर कैसे इस इन्फॉर्मेशन में जो पहले राइट था वो एडिट कैसे किया? वो तो मैंने सिंपली यहाँ पर जो पहले रिटन था इसको मैंने सिंपली सेलेक्ट किया, और इसकी हमारा ना उसने जो टेक्स्ट है ना वो शेप फॉर्मेट में यानी एक्सपेंड कर दिया हुआ टेक्स्ट, तो इसको सिंपली सिलेक्ट करके बैकस्पेस किया, डिलीट हो गया और अपना मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया।
इस तरह ये स्टेप्स हैं, तो मैं इस तरह वैसे स्टेप्स की हेडिंग्स यहाँ पर दे रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट किया, इसको यानी हमारा उसने हम सिंपली बैक स्पेस उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अपना मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यानी मैंने वैसे स्टेप बताए हैं कि फॉर एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट लें, फिर अपनी राइट प्लेस लें, ऑफिस खोलने की या जो भी वेबसाइट खोलने की, इन्वेस्ट करें प्रमोशन में, मार्केटिंग करें, जस्ट लाइक मैंने स्टेप्स बताए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि मारिये कह रही है सर इसी इमेज में जो शेडो है वो कैसे डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये आप लोगों को देख रहे हैं ये शेडो सा क्रिएट हुआ हुआ है, ये किस तरह डालना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वैसी कोई शेप बनाकर दिखाता हूँ, ये आप लोगों की शेप है, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके पीछे हमने शेडो ऐड करना है, तो शेडो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट्स पर, ठीक हो गया, और इफेक्ट्स पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे स्टाइलाइज पर, इफेक्ट्स स्टाइलाइज। एक चीज याद रखिए कि इसको आप लोग ने सेलेक्ट रखना है, ठीक है। इसको कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। तो अफेक्ट स्टाइलाइज, और यहां पर आपको दिख रहा है ड्रॉप शेडो। तो ये ड्रॉप शेडो जब आप करते हैं तो यहां से प्रीव्यू एक दफा कर लें, तो ये देखें आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक शेडो ऐड हो चुका है, लेकिन आप यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके मैनेज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया था, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक, यानी लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये शेडो राइट की तरफ जाएगा, अगर कम करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा। वाई एक्सिस ऊपर से नीचे होता है, बढ़ाएंगे तो नीचे आएगा और कम करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ये आप इस तरह ये अलाइनमेंट इसकी देख सकते हैं, इसकी ओपेसिटी देख सकते हैं, ये कितना ये काला नजर आ रहा है, तो उसकी ओपेसिटी मैं सिर्फ 15 कर देता हूँ, तो आप देखें थोड़ा सा डल नजर आ रहा है। ब्लरनेस इसकी मैं कम कर सकता हूँ, ब्लरनेस इसकी मैं 0.1 कर लेता हूँ बस, या 0.01 कर लेता हूँ, थोड़ी कम कर लेता हूँ ब्लरनेस, और ठीक है। अब ये देखें इस तरह हमारा ये जो शेडो है बेसिकली वो क्रिएट हो गया, इस तरह यहाँ पर इसको क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप लोग शेडोज वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ट्रेवल कर रहा अभी शेडो, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शेडो, यानी पीछे एक ड्रॉप सा शेडो ड्रॉप पीछे से आ जाता है शेप के। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हम लोग फाइवर पर इंफोग्राफिक्स को अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर इन्फोग्राफिक मैंने सर्च किया, तो इन्फोग्राफिक से रिलेटेड ये सर्विसेज हैं, इन्फोग्राफिक फॉर इंस्टाग्राम इसको भी देख लेते हैं, इन्फोग्राफिक एनिमेशन, इसमें आप लोग बाद में जा सकते हैं बिकॉज एनिमेशन तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन बाद में ऑब्वियसली यू कैन लर्न एनिमेशन थ्रू यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स। तो इन्फोग्राफिक की एनिमेशन से रिलेटेड भी एक सर्विसेज पॉपुलर है, Amazon प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक, ठीक है, Amazon के जो प्रोडक्ट के होते हैं उनकी इन्फोग्राफिक बनाई जाती है, वो भी एक पॉपुलर कीवर्ड है। तो लेट्स सर्च इन्फोग्राफिक ही, 4,700 कुछ सर्विसेज हैं, ये एक अच्छी है, मतलब ये बहुत बड़ा कीवर्ड है इन्फोग्राफिक, और इसमें अब ये एक और बड़ा कीवर्ड है इन्फोग्राफिक डिजाइन, मतलब ये इन दोनों कीवर्ड्स में इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं है, ठीक है। नंबर वन चीज तो हमने ये देख ली है कि अच्छा ये एक सर्विस है जिसमें जिसको हम देख सकते हैं,
जिसमें इतनी ज्यादा सर्विस नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो कीवर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक डिजाइन को हम लोग ने देख लिया, नहीं है इतने ज्यादा सर्विसेज, मतलब रिस्पेक्टेबल सर्विसेज हैं। एक और कीवर्ड है बिजनेस इन्फोग्राफिक, इसको हम देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 413 सर्विसेज हैं। एक और कीवर्ड है प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक, प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक को देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 650 सर्विसेज हैं। अभी इन्फोग्राफिक एनिमेशन, इसमें सिर्फ 196 सर्विस, बड़ी यूनिक सी है। अमेजोन इन्फोग्राफिक यानी अमेजोन की जो इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं हम प्रोडक्ट्स की, उसमें सिर्फ 640 650 तक हैं। और इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स रिस्पेक्टिवली 400 तक हैं। दैट मींस कि इन्फोग्राफिक्स की जो कैटेगरी है यहाँ पर, अगर हम ओवरऑल ग्राफिक डिजाइन पर अगर हम जाएं और यहां से हम इन्फोग्राफिक्स को सर्च करें अगर, यहाँ पर है ही नहीं, उन्होंने कैटेगरी ये बनाई इन्फोग्राफिक डिजाइन। तो इन्फोग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में इतने ज्यादा लोग मतलब नहीं है जो चीज इसको सेल कर रहे हैं। तो इससे हमें एक चीज आइडिया हो गया कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम जाया जा सकता है, हमारा बिल्कुल जाया जा सकता है। नंबर सेकंड चीज, अब आप लोगों ने क्या देखते हैं, वो आप लोगों ने रिव्यू देखने हैं कि कितने लोगों के रिव्यूज पे आ रहे हैं। इसमें 2000 से 3000 तक मैक्सिमम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डिमांड अच्छी खासी है, रिव्यूज लोगों के आए हुए हैं इस पर, ठीक है। तकरीबन पूरे पेज पे हर बंदे को अच्छे खासे रिव्यूज मिले हुए हैं। अब आप डिमांड चेक कर सकते हैं यहाँ पर ओपन करके कि कितने लोग ऑर्डर इन क्यू, 5 ऑर्डर इन क्यू। ये देखें बिल्कुल इसने जो है ये फ्री पिक से ही उठाकर डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स का जो है ना एक कोलाज बनाया हुआ और उसको यूज कर रहा है। तो उसको आप थोड़ा चेंज करके आप उसमें अपने सैम्पल्स बना सकते हैं। अब इसमें बेच क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन प्रोफेशन इन्फोग्राफिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप लोग को आइडिया है, फ्लो चार्ट ये जो होते हैं इनको हम फ्लो चार्ट कहते हैं ना, यानी जिसपे प्रोसेस को दिखाया जाता है, यानी ये फ्लो चार्ट है बेसिकली। ये जब हम बचपन में जी भी हमने पढ़ा है यानी फ्लो चार्ट के बारे में, यानी एक वो प्रोसेस जिसमें दिखाया जाता है, एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये फ्लो चार्ट होता है। तो इससे रिलेटेड ये कीवर्ड यहाँ पर दिया गया है, इन्फोग्राफिक फ्लो चार्ट डायग्राम इन 24 आवर्स। और यहाँ पर इसकी आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक क्रिएटिव आई कैचिंग वेरी प्रोफेशनल एंड क्लीन डिजाइन, प्रोवाइड प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी टाइटल, इन्फोग्राफिक चार्ट, फ्लो चार्ट डायग्राम, एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन और ड्रॉ इमेज ऑन पेपर। ये आप क्वेश्चन, ये भी आप पूछ सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि डिजाइन, एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन और ड्रॉ इमेज ऑन पेपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ सकते हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स में आप लोग उसको कह सकते हैं यहाँ पर। यानी ये जो रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन था, इसमें हम लोगों ने उसे कहा था ना कि आप अपनी शेयर इमेज करें इन्फोग्राफिक्स की, या आप जो है और ड्रॉ द कॉन्सेप्ट ऑन पेपर, यानी आप पेपर पे एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ करके हमें दिखा दें कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग, आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए, यानी किस तरह का, यानी उसका लेआउट किस तरह का होना चाहिए। तो जी जी बिल्कुल, डिजाइन साइज डिफरेंट होगा। फिर फॉर एग्जांपल इन्फोग्राफिक अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रही हैं, तो फिर इंस्टाग्राम का डिजाइन पोस्ट साइज क्या मैंने बताया था, 1080x1080, तो फिर वो साइज होगा। अगर फेसबुक के लिए बना रही है तो उसकी पोस्ट का जो साइज मैंने बताया है वो आपका होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इन्फो, अभी इसने कीवर्ड्स देखे काफी ज्यादा यूज किए हैं कि वो क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बिजनेस डायग्राम्स, प्रोसेस फ्लो चार्ट, क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें उसने बताई है वो क्या क्या चीजें इसमें बना सकता है। और ये एक जो है वो कितने का सेल कर रहा है, $15 से शुरू कर रहा है बेसिक इन्फोग्राफिक फ्लो चार्ट, यानी वो सिर्फ एक से आठ पॉइंट्स तक, यानी इस फ्लो चार्ट में बेसिकली डिस्कस करेगा। यहाँ पर 1 से 15 पॉइंट्स डिस्कस करेगा, और यहाँ पर 1 से 30 पॉइंट्स डिस्कस करेगा, और 15, 30 और 60 का उसने पैकेज बनाया हुआ, अच्छा पैकेज बनाया हुआ है।
और इसमें मतलब आप लोग को ऑप्शन देगा इन्फोग्राफिक्स से आप पोस्ट बनाएंगे कि आप इसमें कितने पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कितने स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, यानी कितने पॉइंट्स को आप डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक कैटेगरी है जिसमें आप लोग जा सकते हैं, ये कैटेगरी और मैंने जो आप लोगों को बताई थी प्रेजेंटेशन डिजाइन की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन, इस कैटेगरी में भी आप लोग जा सकते हैं। इसमें अभी कंपटीशन थोड़ा सा है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा डिग इन करें कि इसमें कीवर्ड कौन से थोड़े हम यूज करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन का आप देख लें कीवर्ड इसमें थोड़े से कम है, ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं। इस कैटेगरी को भी आप देखें, यूनिक कैटेगरी है। इन्फोग्राफिक्स की कैटेगरी को आप देखें, ये भी एक यूनिक कैटेगरी है, इसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर इसमें आप जा सकते हैं कि आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन बना रहे हैं ओनली फॉर, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक है तो आप किसी प्रोडक्ट का इन्फोग्राफिक बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटी क्रीम है तो उसके फीचर्स बताए गए हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी ये प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक होता है जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि इसमें बॉटल ओपनर है, स्टेनलेस स्टील है, इसको हम प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं आपका अमेजोन प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक करूंगा, यानी अमेजोन पे जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी इन्फोग्राफिक बनाऊंगा। इस तरह ये चेयर है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक, जिसमें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं। ये वाला इन्फोग्राफिक होता है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये वाला, इसमें बेसिकली प्रोसेस बताए जाते हैं, पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, यानी प्रोसेस जिसमें फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह इसके थ्रू एक प्रोसेस बताया जाता है, कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, कोई प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला जो है, इसमें प्रोडक्ट की जो है फीचर्स वगैरह, लेकिन इन्फोग्राफिक का मतलब ये इन्फो प्लस ग्राफिक, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। तो ये कुछ किस्म के इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं आपके पास। तो गैस ये था इन्फोग्राफिक, मैं आपसे ब्रोशर्स को जो है हम कल देखते हैं, आज मैं उसको स्किप कर देता हूँ, ब्रोशर्स को विल जस्ट डू इट टुमारो में, क्योंकि आज आप लोग का गिग्स में मेकिंग में जो मिस्टेक्स है आप लोग कर रहे हैं उसको भी डिस्कस करना चाह रहा था, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप लोग की कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई आप लोग के सवाल हो इन्फोग्राफिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल सीखेंगे, और इलस्ट्रेटर पे आप लोग एनिमेशन नहीं कर सकते, फोटोशॉप पे कुछ हद तक कर सकते हैं, अगर आप उसमें कुछ हद तक आप लोग एक जिफ फॉर्मेट में एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कि प्रॉपर एनिमेशन के लिए आप लोग के पास अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आप लोग के पास आता है एडोब के कहते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स आता है उसमें, एडोब प्रीमियर आते हैं उसमें, उसमें दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो गाइज यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा हो कि इन्फोग्राफिक भाई हमने डिजाइन किस तरह करना है, क्यों कर रहे हैं हम डिजाइन, इसका मकसद क्या है, इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं, इसमें हम फाइवर पर हम इसमें जाएं तो क्यों जाएं, क्या है उसमें इन्फॉर्मेशन हम पूछेंगे, वो जो उसमें क्वेश्चन था अप टू द 8 पॉइंट्स या अप टू द 30 पॉइंट्स वो क्या चीज है, तो आप इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से डिजाइनिंग करने के लिए आप लोग को इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को बेतहाशा एसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इंस्पिरेशन के लिए आप लोग 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट का देख सकते हैं, या वैसे ही आप लिख लें यहाँ पर इन्फोग्राफिक डिजाइन आइडियाज, आप लोग लिखें आप लोगों को बेतहाशा आइडियाज मिल जाएंगे इन्फोग्राफिक्स के, कि आप किस तरह इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। ये वर्टिकल फॉर्मेट में है, कुछ इन्फोग्राफिक वर्टिकल फॉर्मेट्स में होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आपने अपलोड करना है या आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है। इन्फोग्राफिक के एसेट्स के लिए जो मैं आप लोगों को वेबसाइट बताऊंगा वो फ्री पिक है, दैट इज द बेस्ट। अगर आइकन्स डाउनलोड करने हैं तो मैंने आप लोगों को ऑब्वियसली बताया हुआ है फ्लैट आइकन्स, ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम जितने भी आइकन्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी सैम्पलिंग आपकी
जी जी बिल्कुल बनाए, इसलिए तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। देखें आप लोगों को जो स्किल मैंने सिखानी है वो गिग आप लोगों ने फाइवर पे बनानी है। ईमेल डिजाइनिंग सीखी है, ईमेल न्यूज़लेटर सीखा है, बनाए उसकी गिग। प्रेजेंटेशन डिजाइन सीखा है, उसकी बनाए उसकी गिग। अब उसमें कोई क्वेश्चन आपके आते हैं, सवाल आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली आप लोग यू गाइस कैन आस्क। अच्छा गाइज आप लोग से एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग के व्हाट इज द एम ऑफ इंफोग्राफिक स्टडी। इंफोग्राफिक स्टडी या इंफोग्राफिक बनाने का एम ये होता है कि आप किसी बंदे को कोई इन्फॉर्म चाहते हो, तो जब टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है ना तो लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। और क्या कहते हैं, जब वो टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है तो उसको इतने लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते नहीं है। तो जब कोई डिजाइन की फॉर्मेट में यानी अट्रैक्टिव कलर्स इसमें या डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ होता है, उस फॉर्म में जब कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिस तरह ये देखें ये बड़े प्यारे तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, इट्स लुक क्वाइट नीट एंड क्वाइट यू नो स्लीक एंड कलरफुल, तो इसको पढ़ने का भी दिल करेगा लोगों का। तो ये एम है बेसिकली इंफोग्राफिक डिजाइन का। आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर कर देता हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन एलिमेंट सारे कंपोनेंट्स जो हैं सारे वो हमने डिस्कस किए आज, और इंफोग्राफिक्स इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इंफोग्राफिक्स हमने अच्छा ये जो सारे प्रेजेंटेशन फोल्डर व्हाट इज दैट, आई हैव नो आइडिया। ये जो आप लोग की फाइल्स हैं सारी, मैं यहाँ जो आप लोग के साथ ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया हुआ था ग्रुप में, उसमें मैं शेयर करता जाता हूँ, उसमें मैं ड्रॉप करता जाता हूँ फाइल्स। जो ई रोजगार क्लास फाइल्स मैंने शेयर किया था तकरीबन कुछ दिनों पहले, हाँ इसमें मैं फाइल्स जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। ये फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं और इसको मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ अगर किसी को नहीं पता इसका। यहाँ आपको तो यहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएंगी, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट इसको मैं यहाँ पर पिन भी कर देता हूँ अगर ये हो जाए पिन, ठीक है। अच्छा जी सवालात पूछें जी, कोई क्वेश्चन हो। अच्छा आप मुझे बताएं, एडोब एक्सपी पूछ रहे हैं। एडोब एक्सपी हम लोग बेसिकली ये एप्स के डिजाइन बनाने का सॉफ्टवेयर है। अभी हम लोग जो है वो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप सबकी जो है प्रोफाइल्स बन चुकी हैं सारी, सबकी तीन प्रोफाइल्स एटलीस्ट बन चुकी हैं, क्योंकि इस वीक तकरीबन आप लोग की बिहेंस की, ठीक है, पीपल पर आवर की और गुरु की, ये प्रोफाइल्स मैंने आप लोग की बनवानी हैं। तो हमारी पहले तीन प्रोफाइल्स जो हैं कंप्लीट होनी चाहिए,
जिसमें मैंने आप लोग को अपवर्क का सबसे पहले कहा था कि अपवर्क की जो है आप लोगों ने सबने डिस्क्रिप्शन टाइटल प्लस प्रोफाइल कंप्लीट की है, जनरल स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल प्लस जनरल प्रोफाइल। आप लोगों ने दो स्पेशलाइज प्रोफाइल बनानी थी, अपनी प्रोफाइल बनानी थी और टाइटल बनाना था। किस किस ने वो कंप्लीट किया? मैंने आप लोग को टास्क दिया था कि आप लोगों के पास पूरा वीकेंड है, फ्राइडे की भी छुट्टी थी, तो किस किस ने अपना टास्क कंप्लीट किया। सेकेंडली किस किस ने जो है, आज मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग की 7 गिग्स तक होनी चाहिए, जिनकी 5 थी और जिनकी 1 थी उनकी 5 होनी चाहिए, तो किस किस ने वो टास्क कंप्लीट किया। अब आ जाएं जी। ओके, ताबिंदा कह रही है 3 प्रोफाइल कंप्लीट। आपने ताबिंदा अपनी जो है अपवर की क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन और स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई है? ओके, मतलब आप लोग की अपवर की जो है अपनी आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट है, उसको 2 कर लें आप, एक और स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाएं आप लोग। एक तो ग्राफिक डिजाइन की मैंने आप लोग को बताया था कि उसकी आप बना सकते हैं, और एक अब अपवर्क पर आप लोग अब जो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की जो मैंने आप लोग को दिखाई है, ठीक है, इसने 2 अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई है, एक ग्राफिक डिजाइन, एक इसकी ऑल वर्क है जो जनरल प्रोफाइल है, एक ग्राफिक डिजाइन और ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। अब इसमें देखें ग्राफिक डिजाइन में क्या बोल रहा है। ग्राफिक डिजाइन में ये कह रहा है कि मैं आप लोग को ऑफर कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी लेड ग्राफिक डिजाइन एंड क्रिएटिव डायरेक्शन सर्विसेज टू क्लाइंट्स बिग एंड स्मॉल। इसमें ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, एडिटोरियल डिजाइन, इलस्ट्रेशन, यूजर एक्सपीरियंस यानी यूआई यूएक्स जो होता है, ये सारी चीजें इसमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में क्या प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, सेम ही उसने रखा हुआ। देखें वैसे मेरे ख्याल से ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन एक ही चीज है, यानी ग्राफिक डिजाइन में ये है कि ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस से रिलेटेड सारी आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ये वाली चीज है जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। ये वाले कंपोनेंट्स आप लोग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हम लोगो देंगे, ब्रांड गाइडलाइंस देंगे, स्टेशनरी डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के टी शर्ट वगैरह, ईमेल सिग्नेचर, प्रेजेंटेशन डिजाइन। और ग्राफिक डिजाइन की जहां तक बात आती है उसमें आप ये वाली चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आ जाएंगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई एक इलस्ट्रेटिव पोस्ट है, कोई बुक इलस्ट्रेशन है, कोई ई बुक हो गई, ठीक है, ये वाली एडिटोरियल डिजाइन, कोई मैगजीन डिजाइन हो गया, वो जरूरी नहीं है वो ब्रांड आइडेंटिटी में आए, वो वाली सारी चीजें। तो वो वाली फ्लायर्स एंड पोस्टर्स भी जरूरी नहीं है किसी ब्रांड आइडेंटिटी में आना, लेकिन ये आ सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह ये मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप इस तरह अपनी 2 कैटेगरीज बना सकते हैं, एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की बना लें, एक ग्राफिक एंड डिजाइन की बना लें। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की जो कैटेगरी में है उसमें स्पेसिफिकली बता दें कि हम लोग जो है पूरी एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोगो, फिर हम उसकी ब्रांड गाइडलाइन बुक बनाएंगे, फिर हम उसकी जो है स्टेशनरी डिजाइन बनाएंगे, फिर हम उसमें सोशल मीडिया किट बनाएंगे, उसमें आप बताएंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, फिर उसके अलावा इफ द कस्टमर रिक्वायर्स मोर डिजाइन डिपेंडिंग ऑन दैट, तो हम उसमें टी शर्ट डिजाइन, फिर उसमें हम प्रेजेंटेशन डिजाइन, इंफोग्राफिक डिजाइन एंड ब्रोशर डिजाइन, ये भी हम उसमें बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन की जो आपकी प्रोफाइल होगी उसमें आप लोग सारी चीजें बनाएंगे, यानी उसमें हम ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन भी आप उसमें उसके एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, यानी जिस तरह बिजनेस कार्ड्स वगैरह हैं, उसके अलावा मैगजीन्स, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन में सारी चीजें आ सकती हैं, मैगजीन्स आ सकते हैं, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट और चीजें आ सकती हैं, यानी ई बुक्स आ सकती हैं, इंटरेक्टिव लेआउट डिजाइन आ सकते हैं, कोई भी सिंपल शेप डिजाइन आ सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन एज अ होल न्यू बेसिकली जो है ना, आप समझते हैं, एक बहुत वास्ट फील्ड है। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन ग्राफिक डिजाइन का एक हिस्सा है, आप ये समझ लें। अब आप लोग ने ये 2 प्रोफाइल्स क्यों बनानी है?
इन दो प्रोफाइल्स का फायदा ये है कि जितने भी आपने हमने स्किल्स पढ़ी हैं अभी यहाँ पर, वो जो जिस फॉर एग्जांपल जब भी हम प्रपोजल भेजते हैं ना, जिस तरह यहाँ पर अगर हम प्रपोजल सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल लोगो, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोजेक्ट सर्च किया, तो यहाँ पर जो वो स्पेशलाइज प्रोफाइल मांग रहे होते हैं ना, वो अक्सर औकात या तो ग्राफिक एंड डिजाइन मांग रहे होते हैं यानी बायर्स, या ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की मांग रहे होते हैं। तो अगर हमारी ये दोनों स्पेशलाइज प्रोफाइल्स बनी होंगी तो हमारे एक तो यहीं से चांसेस ज्यादा हो जाएंगे प्रोजेक्ट जीतने के। एक चीज आप लोगों को समझ में आई कि जो भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल चीज पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम लोग ने अभी कल ब्रोशर्स को पढ़ेंगे, फिर ब्रांड गाइडलाइंस को हम पढ़ेंगे, तो ये जब हम हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ये ग्राफिक डिजाइन में भी आएंगी और ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में भी आएंगी। तो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन के एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, फिर इस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ग्राफिक डिजाइन में ये भी चीजें आ जाएंगी ना, कि फोटो एडिटिंग हो गया, ठीक है, पिक्चर एडिटिंग हो गया, बैकग्राउंड रिमूवल हो गई, ये भी फिर ग्राफिक डिजाइन का हिस्सा है, लेकिन ये ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है। लगी आपको समझ? ब्रांड आइडेंटिटी में सेलेक्टिव चीजें आती हैं, जिस तरह बिजनेस कार्ड्स हो गए, लेटर हेड्स हो गए, सोशल मीडिया किट्स हो गए, टी शर्ट डिजाइन आ सकते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में हर चीज आ सकती है। उसमें फोटो एडिटिंग भी आ सकती है, उसमें इलिस्ट्रेशन भी आ सकती है, उसमें मैगजीन डिजाइन भी आ सकता है, उसमें न्यूज पेपर डिजाइन भी आ सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें जो भी डिजाइन की चीज है वो आ सकती है। यू गेट मी राइट? तो ये बेसिकली, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी और इसने सेम सेम ही रखा हुआ है, तो ये बेवकूफ़ है, इसने सेम सेम रखा हुआ है। इसको ग्राफिक डिजाइन में थोड़ी सी डिफरेंट स्किल्स ऑफर करनी चाहिए। ये बायर जो है लेकिन इसकी इसके चल रही है, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू कीप इट सेम टू सेम। प्रेजेंटेशन आपकी, देखें मैं वैसे आपको रेकमेंड करूंगा प्रेजेंटेशन, ब्रांड आइडेंटिटी की जब बात हो रही है ना, ब्रांड आइडेंटिटी की, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गौर करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये आपकी फर्स्ट वाली चार है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी। बाकी चीजें आपकी, आप समझ लें ईमेल सिग्नेचर को डालकर, ईमेल सिग्नेचर को निकालकर, बाकी चीजें जो है ना आपकी जो है, यानी ये चार इम्पोर्टेंट और ईमेल सिग्नेचर, बाकी सारी चीजें आपकी ऑप्शनल है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स टू रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये वाली 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन का ये एक कोर है। ये एक जब ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन डिजाइन बोलते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये चीजें आनी चाहिए। लेकिन जो ग्राफिक डिजाइन है, अगर आप सिर्फ कहेंगे कि जी मैं आपको फ्लायर और पोस्टर बना दूंगा, तो वो फिर ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन नहीं होगा, वो उसको हम कहेंगे वो ग्राफिक डिजाइन है। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में आ सकता है, लेकिन वैसे ही अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन डिजाइन आप कहेंगे कि मैं बनाती हूँ किसी भी चीज का, तो वो ग्राफिक डिजाइन, उसको आप उसको कहेंगे आप दिस इज ग्राफिक डिजाइनिंग। एडिट हो जाएगी आप यहाँ से, यहाँ पे जब आप जाएंगी अपर पर, तो यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करें ना, एडिट स्पेशलाइज प्रोफाइल, इसको आप लोग ने क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपना आंसर देना है, और यहाँ से नीचे जाकर इधर से आप लोगों ने ये देखना स्पेशलाइज प्रोफाइल का सेक्शन, और यहाँ से इसको क्लिक करके व्यू एडिट स्विच स्पेशलिटी एडिट पे चले जाना है, और यहाँ से आप फिर एडिटिंग अपनी शुरू कर देंगे। यहाँ से इसका टाइटल एडिट करेंगे, स्पेशलाइजेशन एडिट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग।
अच्छा, ये आप चेंज करना चाह रहे हैं ना, एडिट स्पेशलिटी। अब ये ग्राफिक डिजाइन चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एडिट की बजाय स्विच स्पेशलिटी पे आप जाएंगे, तो फिर यहाँ से आप स्पेशलिटीज की चेंज कर सकते हैं। वो आपने यहाँ से जाना है एडिट पे, तो आप वैसे प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेशलिटी चेंज करनी है, स्पेशलाइजेस इन, तो आप यहाँ से पीछे से स्विच स्पेशलिटी पे जाएंगे, यहाँ से स्विच स्पेशलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत कम लोगों ने मुझे बताया कि हमने जो है बेसिकली अपवर्क की प्रोफाइल कंप्लीट की। फाइवर पर कितनी कितनी गिग्स हैं आप लोगों की, प्लीज बता सकते हैं मुझे? ओके, दैट इज गुड। 7 गिग्स हैं, दैट इज अमेजिंग। आहिस्ता 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 भाई, सारा हजम बदहजमी हो जाएगी आपको अगर इतनी सारी चीजें एक साथ सीख जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। सर मेरी 5 गिग्स हैं जस्ट, उसको 7 कंप्लीट करें, चलें एटलीस्ट 5 तो है। कितनी आपने, 1 गिग चलें डिलीट कर दी, तो बाकी गिग्स तकरीबन, अगर आपकी पहले 1 थी तो आपने 5 गिग्स बनानी थी, तो किधर है 5 गिग्स? फोर कम है रविंदा, आज आपने तकरीबन 2 गिग्स अपलोड कीजिएगा, आप 2 गिग्स पे काम करना है आज आपने। फाइव फाइव वाले जितने हैं वो अपनी 7 कंप्लीट करें। 3 हैं, 3 तो कुछ भी नहीं है। अरे 8 गिग्स तो बनती ही नहीं है भाई, 7 से ज्यादा बनती ही नहीं है गिग्स, आपने 8 कैसे बना ली? 3 जिनके गिग्स हैं, दैट इज स्ट्रिक्टली अनएक्सेप्टेबल एट दिस पॉइंट। आप लोगों को इतना लंबा वीकेंड मिला, आप लोगों से पूछ सकते थे सर हमने गिग बनाई है। कुछ लोग शेयर करते हैं, मैं उनकी चेक कर देता हूँ, लेकिन मारिया आपने मुझसे कुछ नहीं शेयर किया। रिजवान आपकी तो मैंने गिग चेक की थी शायद कल, मैंने कमेंट भी शेयर किया था। अच्छा, अब मैं जरा कुछ मिस्टेक्स बताना चाह रहा हूँ जो आप लोग गिग मेकिंग में कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं अब आप लोग कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आप लोग कर रहे हैं, और कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा जिससे आप लोग की गिग की रैंकिंग जो है ना वो बेहतर होगी। तो फॉर एग्जांपल, जब आप गिग्स बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा इंटरनेट जो है ना आज स्लो है, नो वरीज, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और क्या हम लोग फॉर एग्जांपल और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं टू इंप्रूव आवर गिग। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर टाइटल पे सबसे पहले आप लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना गाइस, वो ये कर रहे हैं कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। नंबर वन, मैंने बारहा कहा है भाई ग्रामरली कर लो, ग्रामरली कर लो, लेकिन नहीं मानना, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक आपका हो गया, आपका पूरा कीवर्ड जाया हो जाता है। ठीक हो गया, तो स्पेलिंग मिस्टेक इज नॉट अलाउड। ऑलराइट,
दूसरी चीज ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप एक दफा गिग बना ले फॉर एग्जाम्पल, एक दफा इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, यानी ओवरव्यू के प्रोसेस से, आप जब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो आपका यहाँ पर ना एक यूआरएल बन जाता है। ये भी आपकी बेसिकली रैंकिंग में आप लोग को हेल्प करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग यानी अपनी रैंकिंग को मजीद अफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, मजीद आप उसको ट्राई करना चाह रहे हैं कि आप लोग उसको ज्यादा रैंकिंग कर सके, तो आप ये वाली एक और ट्रिक यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, क्रिएट न्यू गिग। फॉर एग्जाम्पल हम गिग बना रहे हैं सिग्नेचर लोगो की, तो सिग्नेचर लोगो से रिलेटेड कितने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है हैंड रिटन, हम वो सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ना लिखना शुरू कर देंगे। सिग्नेचर लोगो से रिलेटेड है हैंड रिटन, वॉटर कलर, लग्जरी, फैशन, ठीक है। हम कुछ नहीं लिख रहे, उस तरह नहीं लिख रहे, मैं यानी प्रॉपर टाइटल के तौर पे नहीं लिख रहे, हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखी जा रहे हैं। फोटोग्राफी, उसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोफेशनल, जितने भी कीवर्ड्स बन रहे हैं, बस ये मेक श्योर करना 80 के अंदर तक हो। ये आपने सारे कीवर्ड्स लिख लिए। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर ये सारे ये कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट की, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पहले जो दो टैग हैं वो आप लोगों ने टाइटल में, जो आप लोगों ने ओरिजिनल टाइटल में रखना है, ये जो अभी मैंने लिखा है ना ये आपका ओरिजिनल टाइटल नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे। ये अभी हमने ये वाला टाइटल लिखा है कि अगर जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारा यूआरएल जो बनेगा उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो जो हम लोग 5 कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले थे फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर लोगो, वाटर कलर, ठीक है, हैंड रिटन, लग्जरी और फोटोग्राफी, ठीक है। ये 5 लोगोज, 5 टैग्स हम लोग ने यहाँ पर यूज किए, और इसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आगे वाले जो 3 टैग्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए जो आपने ओरिजिनल टाइटल में यूज करना है। तो ये सारे टैग्स जो हैं मैं यहाँ पर जो है ना पहले एक टाइटल बनाऊंगा और उसमें यूज करूंगा, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, अगर इस 5 से ज्यादा भी कोई और एक टैग हो सकता है वो भी मैंने यूज कर दिया। अब मैं सेव करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू जो मैंने कर दिया, तो आपका यहाँ पे देखें टाइटल क्या बन गया, हैंड रिटन का कीवर्ड इसमें आ गया, वाटर कलर का कीवर्ड आ गया, लग्जरी का कीवर्ड आ गया, फैशन का कीवर्ड आ गया, फोटोग्राफी का कीवर्ड आ गया, प्रोफेशनल का कीवर्ड आ गया, सिग्नेचर लोगों का कीवर्ड आ गया, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर आ गए। अब आप वापसी जाएंगे ओवरव्यू पे, अब आप इसको चेंज कर देंगे, अब आप इसको जो आपका नॉर्मल था आई विल डिजाइन, आपका ओरिजिनल टाइटल आपने क्या प्लान किया था, प्रोफेशनल हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो डिजाइन, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, ये आपका ओरिजिनल टाइटल था। बिकॉज जो पहले मैंने टाइटल रखा था वो आप ओरिजिनली रख नहीं सकते, ठीक है, उस तरह बेच नहीं सकते, यानी वो कीवर्ड स्पैमिंग हो जाएगी और क्लाइंट को भी बुरा लगेगा वो टाइटल। तो अब देखें, अब हमारा टाइटल ये हो चुका है और यहाँ पर हमारा यूआरएल जो पुराने वाले टाइटल का था वो जनरेट हो चुका है। तो दैट मीन्स के टाइटल में अगर हमारे कीवर्ड्स हम कम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम हमारे यूआरएल में कीवर्ड जितने आ गए हैं कि अगर कोई सर्च करता है तो हमारे यूआरएल से भी सर्चिंग कैपेबिलिटी बढ़ सकती है कीवर्ड्स की। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी रैंकिंग बढ़ाने का। क्या किया, पहले आपने टाइटल रखे हैं जिसमें सारे मैक्सिमम कीवर्ड्स जो कि 5 कीवर्ड्स आप लोग ने यहाँ प्लान किए यूज करने के लिए, उन 5 के 5 कीवर्ड्स को यहाँ पर डालें, और अगर एक कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो जाता है तो उसको भी आप डाल दें जो उससे रेलिवेंट हो। अब ये कीवर्ड्स आप लोग ने किस तरह ढूंढने होते हैं, आप लोग को मैंने जिस तरह बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग में जाकर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने सर्च किया सिग्नेचर लोगो, ठीक
ठीक है, तो सजेस्टेड में जो कीवर्ड्स आते हैं इनमें से आप कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फोटोग्राफी का आ रहा है, वाटर कलर का आ रहा है, ये मैंने कीवर्ड्स उसमें ऐड किए थे यहाँ पर, और उन्हीं कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर डाल दिया। आपने यूआरएल बनाया, यूआरएल बनाने के बाद वापसी पीछे है, और फिर आपने अपना प्रोफेशनल जो एक टाइटल है वो रख लिया। तो ये एक टिप है अपनी रैंकिंग बढ़ाने का। दूसरा ये कि आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लेना है, यानी पहला वाला प्रोसेस कर लेना है, फिर एक और प्रोसेस है अपनी रैंकिंग बढ़ाने का। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक अपग्रेड एसईओ का, ये एक और ऑप्शन है। आप एक एसईओ टाइटल एक और रख सकते हैं, एक आपका यूआरएल हो गया, एक आपका एसईओ टाइटल हो गया, या आपका मेन टाइटल हो गया। अब यूआरएल आपका बन चुका है जो आपने फर्स्ट टाइम टाइटल रखा था, गिग टाइटल वो है जो कि आपका कस्टमर्स को शो होगा, एसईओ टाइटल वो है जो कि कस्टमर्स को शो नहीं होगा और ये सिर्फ फाइवर की लिए है, और फाइवर कहेगा कि अगर आप इसमें अपने कीवर्ड्स एंटर करते तो आपकी रैंकिंग मजीद और बेटर बेहतर होगी। तो जो कीवर्ड्स यहाँ पर आप लोग ने एंटर किए हैं, जो इसमें नहीं यूज किए वो इसमें यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन, यानी यहाँ पर हम लोगों ने प्रोफेशनल का कीवर्ड यूज किया है, हैंड रिटन का और सिग्नेचर का। बाकी कौन से रह गए पीछे, वाटर कलर, लग्जरी, फैशन रह गए, फोटोग्राफी, ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स रह गए। आई विल डिजाइन, वाटर कलर, लग्जरी, फैशन, फोटोग्राफी, लोगो। तो अब वो जो कीवर्ड्स रह गए थे हमारे इधर, जो हमने टोटल कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए थे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करके हमने टाइटल में रख लिए और कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ पर एसईओ टाइटल में जो रह जाएंगे वो यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरह बेसिकली हमारी देखें रैंकिंग कहाँ से कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो गिग की रैंकिंग है वो ज्यादा इम्प्रूव होने वाली है। जो मिस्टेक करते हैं हम लोग वो ये करते हैं कि हम लोग एक तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपने। सबसे पहले क्या करना है, जब आपने गिग बनानी है, आप जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने जो सर्च किए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपने सोचा है कि आपने सर्च टैग्स में भी डालने हैं, उनको आप टाइटल में घुसेड़ के आप सेव करते हो, उसका यूआरएल बन जाता है। यूआरएल बनने के बाद आप दोबारा पीछे आते हो, अपना टाइटल साफ करते हो, सही करते हो, और फिर एसईओ टाइटल आप जनरेट करते हो। एसईओ टाइटल में आपने टोटल कीवर्ड्स जितने यहाँ पर यूज किए हुए हैं उसमें से जितने आपने मेन टाइटल में यूज किए हैं उनको रहने देते हो, और जो रह जाते हैं उनको आप यहाँ एसईओ टाइटल में ऐड करके अपना और मजीद रैंकिंग बेहतर कर लेते हैं। तो ये आपकी बेसिकली अब कितनी रिलेटेबिलिटी बन रही है, आपकी यूआरएल में भी कीवर्ड्स हैं, आपके टाइटल में भी कीवर्ड्स हैं, एसईओ टाइटल में भी कीवर्ड्स हैं, आपके टैग्स में भी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह आप आगे प्राइसिंग वगैरह पर जाते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीजें हैं, ये आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। प्राइसिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, प्राइसिंग में ये मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, अब इसको आप लोग बेसिकली टाइटल इसको दे दें कि मिस्टेक्स, इसको टाइटल में दे देता हूँ, मिस्टेक्स इन गिग मेकिंग एंड एसईओ टिप्स फॉर गिग रैंकिंग, क्योंकि मैं आपको रैंकिंग का भी साथ साथ बता रहा हूँ। जी जी कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड इंक्लूड हो जाएंगे जो मिस हो गए थे। अभी मैं आपको साथ साथ मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ एसईओ टिप्स आप लोग फॉर एग्जांपल क्या क्या रैंकिंग की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया सारा, इसमें हम आगे गए, अब मिस्टेक्स भी साथ साथ देखते जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक मिस्टेक आप यहाँ पर ये कर रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे चार कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। भाई क्यों, एक कीवर्ड का या तो आपको पैसे लग रहे हैं तो समझ भी आती है ना, तो पैसे लग रहे हैं तो भाई कीवर्ड्स आप लोगों ने पूरे पांच के पांच इस्तेमाल करना है। कैटेगरी में मिस्टेक कर रहे हैं लोग, यहाँ पर कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन की सेलेक्ट करके अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई लोगों की सेलेक्ट करो, अगर लोगों में काम कर रहे हैं आप लोगों सेलेक्ट करें। अगर आप बिजनेस कार्ड में काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड की है तो आपको वैसे तो वो खुद ही बता देता है वो, अगर आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं ना आई विल डिजाइन बिजनेस कार्ड तो आपको खुद ही बता देगा यानी कि क्या कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें खुद ही आपने उसको उसने आपको बता दी कि बिजनेस कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करो, तो कैटेगरीज आप लोग गलत से सेलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, कैटेगरीज आप लोग ने सही सिलेक्ट करनी है, यहाँ से स्टाइल आप लोग ने सही सिलेक्ट करना है, फाइल फॉर्मेट्स आप लोग ने ऑल सिलेक्ट करना है। तो ये गलतियां हो रही हैं। प्राइसिंग में क्या गलती हो रही है कि आप लोग बेसिकली पैकेजेस रखते हैं सारे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं आप लोग। अब फॉर एग्जाम्पल पहला पैकेज है ये मैंने रखा है 1 दिन का, दूसरा पैकेज मैंने रखा है 2 दिन का, तीसरा पैकेज मैंने रखा है 3 दिन का। तो जब यहाँ पर एक्स्ट्रास पर आप आते हैं तो आप यहाँ पर अब ये कह रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अब वो कहता है कि आपकी बेसिक की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मैं कर सकता हूँ। तो भाई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मिनिमम डे 1 डे ही है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे आप 1 डे की दे रहे हैं और यहाँ पे ओरिजिनल पैकेज भी आपका 1 डे डिलीवरी का है, तो भाई एक्स्ट्रा फास्ट तो ना हुई, एक्स्ट्रा फास्ट तो नहीं हुई ना ये। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 और यहाँ से सारे ऑप्शन सेलेक्ट जब करते हैं तो वो आपको ना एरर दे देता है, ऐसे ही है आपको एरर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइसिंग भी रख लेता हूँ अभी रैंडमली, मैं आपको सिर्फ वो एरर दिखाना चाह रहा था। तो जब आप यहाँ से आगे जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे तो वो आपको जो है एरर दे देता है यहाँ पर। वो कहता है कि भाई पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग्स डिलीवरी ऑप्शन। यहाँ पे गिग डिलीवरी आप 1 दिन की दे रहे हो तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी 1 दिन की थोड़ी बनेगी, तो फिर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी खत्म करनी पड़ती है बेसिक ऑप्शन की। हाँ, आप इन ऑप्शन की रख सकते हो जिनकी आपने 2 या 3 दिन की हुई है, इसकी आप कर सकते हो 1 डे और इसको चार्ज कर सकते हो। इनको आप चार्ज कर सकते हो बट नॉट दिस वन, इस पैकेज को आप नहीं कर सकते। एक तो ये मिस्टेक सारा आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, सारे मुझसे मैसेज करके एक ही चीज पूछे सर ये क्या एरर आई जा रहा है, हालांकि मैंने ये पहले भी बताया था। और दूसरी मिस्टेक जो प्राइसिंग में कर रहे हैं आप लोग, वो ये कर रहे हैं आप लोग प्राइसिंग पैकेजेस को स्टडी नहीं कर रहे आप। फॉर एग्जाम्पल बेसिक पैकेज है, बेसिक पैकेज में आप लोग ने प्रोवाइड किया कि आप कह रहे हैं एक लोगो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आप प्रोवाइड कर रहे हैं हाई क्वालिटी जेपेग एंड पीएनजी विथ सोर्स फाइल, ठीक है, ये आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जी $5 में। अब आपका दूसरा पैकेज है, आप कहते हैं स्टैंडर्ड पैकेज है जी, आप इसमें प्रोवाइड कर देते हैं ये सारी चीजें, आप कहते हैं सिर्फ 2 लोगोज हैं और सिर्फ आपने एक मॉकअप फाइल ऐड कर दी है और आपने $5 से इसकी प्राइस कर दी है $25। अब आपने सिर्फ एक लोगो और एक मॉकअप ऐड किया है तो उसका आपने $15-20 का डिफरेंस कर दिया, हाउ कम? तो आप लोगों ने जो डिफरेंसेस रखने हैं ना वो रियलिस्टिक रखने हैं। अगर आपने मॉकअप ऐड किया, मॉकअप मैक्सिमम क्लाइंट उसका मॉकअप का $5 से $10 आपको शुरू में दे देगा, क्योंकि क्लाइंट्स को भी पता होता है मॉकअप्स जो है ये आपके बने बनाए पड़े होते हैं और आप नेट से बने हुए ही यूज करते हैं मॉकअप्स, तो आपको या तो आप कहें ना ओरिजिनल मॉकअप आप प्रोवाइड करें तो फिर आप चार्ज कर सकते हैं, वरना नहीं। और रेकमेंडेड वो बेस्ट बाय में आप लोग ऑफर कर रहे हैं जी, क्या कहते हैं 3 लोगोज और ये सारी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं और उसका आप लोगों ने सिर्फ 1 लोगो बढ़ाने का चार्जेस आपने यहाँ पे $50 कर दिया। अब डिफरेंसेज आप देखें ना, मतलब मैचेज इतने मजे के नहीं बन रहे। अब आप प्राइसिंग पैकेजेस में क्या कर सकते हो, एक तो सबसे पहले मैं चीज रेकमेंड करता हूँ SEO के हवाले से कि जो भी आप चीज बना रहे हो यहाँ पर, आप प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो बना रहे हो तो यहाँ पर ये 1 लोगो की जगह 1 सिग्नेचर लोगो लिखो, क्या होगा रैंकिंग मजीद बढ़ेगी, 1 सिग्नेचर लोगो लिखो। एक चीज तो आप ये रैंकिंग के हवाले से जरूर करें आप लोग कि प्राइसिंग में भी आप कीवर्ड को मेंशन करें। ठीक हो गया, तो कीवर्ड्स के हवाले से SEO के हवाले से मैं आप लोगों को ये चीजें बता सकता हूँ। दूसरी चीज ये मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं या जो आप लोग पैकेजेस अच्छे तरीके से किस तरह बना सकते हैं, अब आप लोगों के पास काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं। आप लोगों के पास बिजनेस कार्ड्स की एक एक्स्ट्रा सर्विस आ गई है, आप लोगों के पास सोशल मीडिया किट एंड ब्रांडिंग की सर्विस है, मॉकअप की सर्विस है, आप लोग इसमें फॉर एग्जाम्पल मजीद प्रेजेंटेशन डिजाइन या ईमेल सिग्नेचर की सर्विस ऐड कर सकते हैं,
ईमेल न्यूज़लेटर की ऐड कर सकते हैं, प्रमोशनल एलिमेंट्स के जो फॉर एग्जांपल फ्लायर्स या ब्रोशर्स, इसकी कोई सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये मैं पैकेज बनाया, इसमें आप सिर्फ प्रोवाइड करें जेपेक फाइल या सोर्स फाइल भी अगर आप प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, तो बेसिक पैकेज आपने सबसे हल्का रखना है, उसमें आप सिर्फ प्रोवाइड करें जेपीजी एंड पीएनजी, अगर बहुत ज़रूरत है तो सोर्स फाइल साथ प्रोवाइड कर दें, लेकिन जस्ट वन लोगो। अब आगे जब आप आएंगे तो आप लोग फॉर एग्जांपल ऐड कर सकते हैं टू, यानी लोगोस की अमाउंट आप ज़्यादा कर दें और आप साथ ऐड कर सकते हैं, यानी ये सारी चीज़ें तो ऐड होंगी, ये मैं कह देता हूँ ऑल आइटम्स ऑफ बेसिक, प्लस आप क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप स्टेशनरी डिज़ाइंस का एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है आपके पास प्राइसिंग में ऐड करने का, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया किट, ठीक है, ये एक ऑप्शन है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा ईमेल सिग्नेचर, ये भी एक ऑप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारा सारा इसी में ऐड कर दें, आप सिलेक्टिव रखें इसमें, अगर आप स्टेशनरी डिज़ाइन या ईमेल सिग्नेचर ऐड करें, फिर थर्ड वाले में आप सारी चीज़ें ऐड करें, सारी चीज़ें उसमें ऑफर कर दें और उसकी पैकेज प्राइस अच्छी रख लें। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से अब ये ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड ईमेल सिग्नेचर आप उसमें दे सकते हैं, सोशल मीडिया किट दे सकते हैं, स्टेशनरी डिज़ाइन, क्योंकि ये लोगों के साथ इन चीज़ों की जरूरत होती है, ब्रांड आइडेंटिटी की जरूरत होती है, तो ब्रांड आइडेंटिटी के एलिमेंट से तो इन चीजों की जरूरत हो सकती है किसी भी लोगों के साथ, ईमेल सिग्नेचर की, स्टेशनरी डिजाइन्स की, सोशल मीडिया किट की, तो ये वाली चीजें आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और ओवर द टॉप जाना चाह रहे हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, भाई किसी लोगों की आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन चाहिए तो वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिजाइन हो सकता है, मतलब ताकि आपकी प्राइसिंग जरा ज्यादा अट्रैक्टिव बने, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिजाइन हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं, टी शर्ट डिजाइन आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवर द टॉप जाना चाह रहे हैं, अपनी प्राइसिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये बेसिक है, तो इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया की जो स्टेशनरी डिजाइन मैंने ऐड कर दी है बेसिक चीजें, तो दिस इज फाइन। ये अब इसकी प्राइस मैं बढ़ा सकता हूँ 25, बनती भी है क्योंकि अब इसमें मैंने मॉकअप भी ऐड किया है, सोशल मीडिया किट भी ऐड की है, स्टेशनरी डिजाइन भी ऐड किया है और एक लोगो भी ऐड किया है, तो फिर मेरा बनता है कि मैं $20 बढ़ाऊँ, लेकिन पहले नहीं बन रहा था। अब थर्ड में मैं थ्री सिग्नेचर लोगो प्लस ऑल आइटम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्लस मैं यहाँ पर और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ कि आई विल प्रोवाइड ईमेल सिग्नेचर प्लस प्रेजेंटेशन एंड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, मजीद आप जो चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का कोई और इनको आइटम चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह आप अपनी प्राइसिंग को, अब इसमें मैंने कितनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, सोशल मीडिया किट, स्टेशन डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक, ईमेल सिग्नेचर और आइडेंटिटी का कोई एक आइटम वो और चूज कर सकता है, तो इसकी प्राइस फिर मैं अगर 60 या 70 डॉलर रखता हूँ तो फिर वाजिब, फिर विजिबल है, मतलब फिजिबल है, आप इसको कह सकते हैं कि नहीं यार वाकई इसकी प्राइस में इस तरह रख सकता हूँ। तो आप अपने प्राइसिंग पैकेजेस को खेल सकते हैं, इसको प्ले आउट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग आइटम सिखाए हैं आप उसमें ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्योंकि एक लोगो जो बिजनेस वाला है, हो सकता है वो कहे कि अच्छा यार आपके जो आइटम है सर, आपके आइटम में जो थर्ड वाला आइटम है उसमें मुझे इन्फोग्राफिक्स की जगह अगर कुछ और मिल सकता है, कोई और सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं मुझे वेबसाइट का बैनर बना दो, कोई कह सकता है कि मुझे टी शर्ट डिजाइन बना दो, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं आइटम को, आप उसको कह सकते हैं अच्छा मैं तुम्हें इन्फोग्राफिक की जगह तुम्हें टी शर्ट डिजाइन बना देता हूँ, इस तरह भी हो सकता है, तो ये फ्लेक्सीबिलिटी आ सकती है, लेकिन वी आर मेकिंग आर प्राइसिंग पैकेजेस मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, हम उसको मोर अट्रैक्टिव कर रहे हैं ताकि हम लोग 5, 10 और 15 वाला प्राइसिंग पैकेजेस ना रखें। आप लोग किसी गैप अगर रख रहे हैं तो गैप की वजह भी होनी चाहिए कि आप उसमें चीजें क्या ऑफर कर रहे हैं, ये भी तो देखें। क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल आप 3 की जगह आप यहाँ पे 5 सिग्नेचर लोगो कर दें, आप इसको 60 कर दें ताकि क्लाइंट्स को मैक्सिमम ऑप्शंस मिले।
ठीक हो गया। एक्स्ट्राज पे ध्यान दें थोड़ा सा, एक्स्ट्राज को देखें, यानी एक्स्ट्राज को सिलेक्ट करें यहाँ पर। अब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्राज भी, बिकॉज आपके अगर बेसिक पैकेज में स्टेशनरी डिजाइन और वो चीज, आप कहेंगे सर यहाँ पर स्टेशनरी डिजाइन आप दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्राज क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इस मील के साथ यानी इस पैकेज के साथ नहीं है अवेलेबल, तो हमें एक्स्ट्राज में वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसकी अमाउंट आप $10-10 रख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मिनिमम इतनी रख सकते हैं, और सोर्स फाइल की भी 10। वेक्टर फाइल और सोर्स फाइल का अक्सर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो वेक्टर फाइल बेसिकली आप लोगों की ये सारी फाइल्स होती हैं, एआई फाइल, ईपीएस फाइल, पीडीएफ फाइल, एसवीजी फाइल, ये आपकी वेक्टर फाइल्स होती हैं, और पीएसटी से अक्सर उनकी मुराद होती है ये फोटोशॉप फाइल, सोर्स फाइल से अक्सर उनकी मुराद होती है फोटोशॉप फाइल। वैसे मेरी नज़र में दोनों चीज़ें सेम हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों डिफरेंशिएट किया हुआ है, बट एनीवेज यहाँ पर इनके डेज वगैरह आपने सेलेक्ट करने हैं, कितने दिनों में आपने देना है, मैक्स मिनिमम 1 डे सेलेक्ट कर लें, एंड दैट इज इट। अगेन डिस्क्रिप्शन की सारी रैंकिंग टिप्स मैं बता चुका हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, सबसे पहले गलती नो ग्रामरली, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप लोग ये वाली चीज नहीं चेक कर रहे हैं, कीवर्ड डेंसिटी, ये वाला टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैंने आप लोग किक्स कुछ इसमें डाल के देखेंगे, आप लोग के कीवर्ड जो हैं बहुत लिमिटेड। फॉर एग्जांपल किसी की स्टूडेंट की यहाँ पे फिर उसने वेबसाइट बैनर बोल दिया, तो हम क्या करेंगे फिर, हम उससे वेबसाइट बैनर की डिटेल मांग के हम वेबसाइट बैनर उसको बनाएंगे। सर ये 2 या 3 लोगों कौन से होंगे, ये उसी ब्रांड के, फॉर एग्जांपल ब्रांड का नाम है करीम, करीम के ब्रांड के ही आप 2 से 3 लोगों ऑप्शंस बनाकर उसको देंगे। मॉकअप फाइल कौन सा हमें बनानी आती है, बिल्कुल नहीं बनानी आती मॉकअप, जो आप मॉकअप इमेज जो नहीं, मैंने आपको मॉकअप में डिजाइन डालना नहीं सिखाया, तो बस उसको आप उसका डिजाइन मॉकअप में डालकर उसको जेपीजी फाइल भेजेंगे, वो है मॉकअप फाइल। एसईओ टिप्स कैसे, ये जो एसईओ टिप्स सारी आपको बता तो रहा हूँ कि प्राइसिंग में आप कीवर्ड ऐड करें, फिर यूआरएल में कीवर्ड ऐड करें, ये एसईओ टिप्स ही तो हैं, और क्या है। ये वाला आप लोग नहीं ऐड करें, फॉर एग्जांपल किसी भी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी इस तरह डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक तो करें, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आप लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल किए हैं, किस तरह आप लोग की रैंकिंग उसमें बेहतर हो सकती है। अभी सिग्नेचर लोगों से रिलेटेड है, तो इसने अभी वर्जन का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, फाइनल का वर्ड मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पता नहीं इसने ये कीवर्ड क्यों इतना ज्यादा यूज किया हुआ है। अब इसकी मेन सिग्नेचर से रिलेटेड थी, सिग्नेचर का कीवर्ड इसका है ही बहुत ज्यादा कम यूज हुआ है, फाइनल वर्जन, पीएनजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट, ये वाले फजूल कीवर्ड जिसने यूज किए हुए, तो इससे आइडिया हो रहा है कि इसकी कीवर्ड सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है। तो आप लोग इस तरह कीवर्ड ये गलती कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। दूसरी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो ये है, दूसरी जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो ये है, हम आगे चलते हैं। कि आप लोग फॉर एग्जांपल अपना टाइटल जो है पहले पैराग्राफ में नहीं लिख रहे हैं, और टाइटल अगर पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल एस यू नो एस इन टूडेज मार्केट कंपेटिटेंट सिग्नेचर लोगो फॉर अ ब्रांड इज नेसेसरी, हेयर
यू विल गेट प्रोफेशनल हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो डिजाइन दैट विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज. ये एक मैंने सेंटेंस में अपना टाइटल भी यूज कर लिया और एक मजेदार सा मैंने हुकी लाइन सेंटेंस भी बना लिया. तो इस तरह की अगर आप टेक्निक्स यूज करेंगे तो आप लोग की रैंकिंग काफी ज्यादा बढ़ने वाली है. ये चीज आप लोग करें, आप लोग का जो मेन कीवर्ड है वो तकरीबन 5 to 5 times तक तो होना चाहिए. आप लोग कीवर्ड्स मेन कीवर्ड्स कीवर्ड डेंसिटी से चेक नहीं कर रहे, फिर कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स भी देखें आप लोग, जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, उसके कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स में कितने कीवर्ड्स की पेयरिंग हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने कीवर्ड्स की पेयरिंग आपस में करवानी है. क्योंकि कस्टमर जो सर्च करता है कीवर्ड्स, वो पेयरिंग कीवर्ड्स करके भी करता है. फॉर एग्जाम्पल फैशन सिग्नेचर कर लिया उसने सर्च, इस तरह पेयर कीवर्ड्स करके भी वो सर्चिंग करता है. तो आपने देखना है कि आपकी पेयरिंग किस किस कीवर्ड्स की हो रही है, और जब मैं उसको फाइवर पर सर्च कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. इतनी डिटेल में देखें, करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों की रैंकिंग बेहतर हो, आप लोगों को ऑर्डर्स आना बेहतर हो. तो ये आप लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में. रिक्वायरमेंट्स में तो आप लोग ने बस क्या कहते हैं ऐड करनी है रिक्वायरमेंट, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ. और सैम्पलिंग में जो गलती कर रहे हैं, मैं हमेशा से बताता हूँ सैम्पलिंग में क्या गलती कर रहे हैं. आप लोग देखें, कुछ स्टूडेंट्स अभी तक लिटरली गूगल से इमेजेस उठा के यहाँ पे लगा रहे हैं कि जी हमारी गिग बन गई. ओ भाई, आप लोग मतलब कब इस्तेमाल करना है इसे आप लोगों ने, ठीक है? क्यों गूगल से इमेजेस किस तरह हम लोग अपलोड करके लगा सकते हैं? आप लोग अगर कहें जी एक ब्रांड है ग्लोरिया जीन्स, मैं यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स खोल लूँ, ठीक है, ग्लोरिया बीन्स के नाम से या ग्लोरिया जीन्स के नाम से वही चीजें मैं बेचने शुरू करूँ, तो ग्लोरिया जीन्स वाले मेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे और कहेंगे भैया आप क्या क्या ये आपने खोला हुआ है हमारे नाम का ही? तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है. सिंपल सी एक मतलब एक बात है, मतलब मेरा नहीं ख्याल इसमें मुझे इतना एम्फसाइज करने की जरूरत है आप लोगों को, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं. मैंने एक क्लास ली थी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था किस तरह आप लोग आर्ट को मैनिपुलेट करना है आपने. आप फ्रीपिक से भी डायरेक्ट उठा के नहीं लगा सकते. हाँ, आप फ्रीपिक से उठाकर उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर आप लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन कम से कम चेंज तो करें, थोड़ी मेहनत तो करें. अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं करेंगे, आप कहते हैं बस जी हम एक गिग लगा दें और गिग बना दिए बैठ जाए सुकून से, बस ऑर्डर आने चाहिए, इस तरह नहीं होगा. दिस मेंटेलिटी हैज टू चेंज. आप लोगों को डेली बेसिस पे अपनी गिग्स चेक करनी पड़ेंगे, डेली बेसिस पे कीवर्ड्स पे सर्चिंग किया करें, एक दो घंटा लगाया करें फाइवर पे कीवर्ड सर्चिंग पे. वैसे ही आप लोग डिफरेंट सर्विसेज के कीवर्ड सर्च किया करेंगे, भाई कौन से कीवर्ड कहाँ पे चल रहे हैं, कौन सा क्या चल रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स बनाते जाएं अपने पास. इस तरह की अप्रोच रखेंगे, इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे तो आप लोग को ऑर्डर आएगा. और देखें, मेरे मेरी ये एक ख्वाहिश है कि यहाँ पर जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सबको एटलीस्ट एक ना एक ऑर्डर आए, और वो ऑर्डर तभी आएगा जब आप लोग इस तरह की अपनी अप्रोच रखेंगे. मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे, आप देखें हमारी स्किल्स तकरीबन मैक्सिमम तरीके से कवर हो चुकी है. इसके बाद फोटोशॉप रह गया है, इस वीक हमारा इलस्ट्रेटर तकरीबन खत्म हो जाएगा, इसके बाद फोटोशॉप रह गया है, और फोटोशॉप के बाद हमारे पास तीन जो वीक्स रहेंगे उसमें हम लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग को ही पढ़ेंगे. मैं डेली बेसिस पे आप लोगों की गिग्स चेक करूंगा, डेली बेसिस पे आप लोगों का गिग्स एक्टिविटी होंगी, प्रपोजल राइटिंग एक्टिविटीज होंगी, बाय रिक्वेस्ट चेक होंगी, तो ये सारी चीज होंगी. अच्छा, आप लोगों से मुझे बताएं बाय रिक्वेस्ट किस किसने भेजी अभी तक? नहीं, 3 different logos, मतलब यूनिक लोगोज होंगे, लेकिन स्टाइल उनका सेम ही होगा, सिग्नेचर ही होगा, यानी डिफरेंट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल आप उसमें डिमांड करेंगे. बाय रिक्वेस्ट किस किसने भेजी है? मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपने बाय रिक्वेस्ट जिस रिक्वेस्ट पे भेजी है वो रिक्वेस्ट भी, और अपनी जो आपने प्रपोजल राइट किया वो भी. आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको इवेल्युएट किया जा सके. कमर, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा. अच्छा, एक और चीज आप लोग कर सकते हैं अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है.
वो ये कि अपनी गिग को सोशल मीडिया पे शेयर करते जाएं, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों के साथ क्लिक करवाएं उसमें मैक्सिमम। जब सोशल मीडिया क्लिक्स पड़ते हैं ना किसी गिग पे, तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेजेस हैं जिस तरह फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान या फाइवर गिग प्रमोशन एंड रिव्यू एक्सचेंज, इसमें जाएं फाइवर गिग प्रमोशन एंड रिव्यू एक्सचेंज। यहाँ पर अपनी गिग्स आप लोग शेयर करते जाएं कमेंट्स पे। कोई ना कोई तो आपकी गिग ओपन करेगा ना, आपकी क्लिक्स पड़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी क्लास को एंड कर दें। रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है डॉक्यूमेंट में, आप यही लिखेंगे। रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखनी है गिग के अंदर, रिक्वायरमेंट सिंपली आप ये ऐड न्यू क्वेश्चन करते हैं, और आप यहाँ पे अपनी सारी ये रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ पर मैंने लिखी हैं, फॉर एग्जांपल ये रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। इस तरह, और यहाँ पर ऐड करने के बाद आप ये फ्री टेक्स्ट ही रखते हैं इसको, और यहाँ पे बस ऐड कर देते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है। लेकिन एक ही ऐड करनी है, दो ऐड हो गई, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, एक ऐड करनी है बस। सेवन की टीम डिस्क्रिप्शन में। अब एडिटिंग की जहां तक बात है ना, एडिटिंग आप लोग ना ही करें, एडिटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। आप गिग को डिलीट करके दोबारा बना लें, अगर कोई गलती हो गई गिग में तो आप उसको डिलीट करके दोबारा बना लें और दोबारा से पब्लिश करें। हाँ, क्लिक्स अगर कम हैं और इम्प्रेशंस अच्छे हैं, दैट मीन्स सैम्पल्स आर नॉट गुड। और आप लोगों के सैम्पल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है। मैं अगेन कहूंगा 99 डिजाइन और एटसी, इन दोनों की सिर्फ आप लोग सैम्पल्स अगर थोड़े से रेप्लीकेट करने की कोशिश कर लेना, तो आप लोग के सैम्पल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैंने शेयर कर दी हुई है, लिंक शेयर कर दी है ग्रुप में। बाकी और कोई सवाल हो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, खुद को अकाउंट नहीं दे सकते, इट्स नॉट लीगल। फाइवर आपका अकाउंट बैन कर सकता है। FAQ डिपेंड करता है, मस्ट नहीं है, लेकिन आप, मैंने इसका कहा था कि अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप दूसरे सेलर्स के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी सेलर के।
बाय रिक्वेस्ट इसलिए शो नहीं होती बिकॉज आपकी गिग्स कम है, और गिग्स कम भी हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में भी नहीं है। अगर आप सारी गिग्स लोगो डिजाइन में बना लेंगे तब भी आपको बाय रिक्वेस्ट नहीं शो होंगी। आप एक लोगो में बनाए, एक बिजनेस कार्ड में बनाए, एक इन्फोग्राफिक में बनाए, एक जितनी मैंने आपको सर्विसेज बताई उसमें सब में बनाने की कोशिश करें आप 7 गिग्स, फिर आपको बाय रिक्वेस्ट देखेंगे क्यों नहीं शो होती। और बाय रिक्वेस्ट वैसे शो होने का ज्यादा टाइम जो होता है ना वो शाम का होता है, यानी 6 से 8 या 8 से 10 या रात को 2 बजे के बाद भी शो होती हैं, 12 से 2 या 2 से 4 इस तरह। ये टाइम्स आप लोग अपने पास नोट कर लिया करेंगे किस टाइम आप लोग को ज्यादा शो हो रही है। जी, आप दोनों पे ऑन रखें, बार बार लॉग इन लॉग आउट नहीं करना आप लोगों ने। लॉग इन लॉग आउट करेंगे तो आप लोग का जो है अकाउंट खतरे में आ सकता है। चले क्लास, थैंक यू सो मच। आप लोगों का कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कर देना, मैं उसको आंसर कर दूंगा। बाकी अपनी गिग्स और अपने प्रपोजल्स को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं, सैंपल मेकिंग को लेकर। आप लोग बस समझ लें यही काम है अगले 3-4 हफ्ते हैं। और आप लोग ने बस, मैं आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी जान लगा दें इस कोर्स के लिए। अभी लगा देंगे ना तो आप लोगों के फ्रीलांसिंग करियर्स बन जाएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग 22, 20, 25 जितने लोग रह गए हैं और लॉयल्टी के साथ वो क्लासेस ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जस्ट गिव योर बेस्ट थ्रू आउट द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। उससे क्या होगा, आप लोग मैक्सिमम चीजें सी। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को एक टिप्स बताई, अभी एक और टिप है, एक और SEO टिप है जो रहेगी जिसमें हम इमेज SEO, इमेज से के थ्रू SEO करते हैं, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन वो मैं बताने का तभी फायदा है ना जब आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तब बताने का मजा भी आता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।